जब तक नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर हैं और 10-15 साल अगर रह जाते हैं तो अगले 10 से 15 साल तक एथेनॉल सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है। मैं बोलूंगा कि इक्विटी से ज्यादा रिटर्न आपको रियल एस्टेट देगा, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब आई फील कि मौका सबको मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस किस्सा है एयरपोर्ट्स का, है ना, कोई एक बिजनेसमैन है जो एयरपोर्ट्स के लिए बिड करते हैं और सारे एयरपोर्ट्स उन्हें मिल जाते हैं। दर्शन मेहता की डेथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और ये केस शेयर हुआ है उनकी वाइफ ने, ज्योति मेहता ने शेयर करा। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो उनकी वाइफ ने बोला है, ना कि मैं बोल। ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल, लास्ट 2 महीने में मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करा है, आज वो मेरा कोर्स खरीद लो। ये बहुत ही नॉर्मल स्कैम चल रहा है आजकल। मैंने देखा है बड़े बड़े पेज वाले 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम तो हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। लोग कन्विंस हो जाते हैं एक्चुअली। पूरा सच नहीं बताना है, मैं बताऊँ इन्फ्लुएंसर पूरा सच नहीं बताना है। 2-3 स्किल हैं अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके अंदर होने चाहिए। पहला, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बनाया है। हाय रोचित भाई, कैसे हो आप? आई एम गुड शुभम भाई, आप कैसे हो? वैसे मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि रोचित भाई स्टॉक मार्केट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस कदर छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स इन्होंने 10 महीने में कर दिया। शायद 10 महीने हो गए। तो रोचित भाई आप बताओ कि स्टॉक मार्केट और इन्फ्लुएंसरशिप की जर्नी शुरू कैसे हुई? पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इन्फ्लुएंसर की जर्नी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर कोई कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है। जो गलतियां मैंने करी है, 10 महीने की लोगों को याद है कि 10 महीने पहले 10 महीने में 1 मिलियन हो चुके, बट उससे पहले की 6 साल की जर्नी है, तो वो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कंटेंट क्रिएशन 6 साल पहले से कर रहा हूँ। मुझे लगता जब क्लास 9th में था तब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग उस टाइम पे टेक्निकल गुरु जी बहुत थे, वायरल थे ना, तो उस टाइम पे जितने भी चैनल बनते थे सब बनते थे टेक्निकल। तो मैंने भी बनाया टेक्निकल यूनिवर्स। और फिर मैंने एजुकेशनल वीडियो डाली 2-3, मतलब आप समझो मैं 9th में हूँ, मैंने कुछ भी डाला कि मैं जो पढ़ रहा था मैंने वो डाला। मैंने टेक्नो गीक करके एक चैनल बनाया था और मैं भी यही कर रहा था। मतलब मुझे लगता है 2017-18 में जितने यूट्यूबर्स हैं सबने टेक्निकल चैनल ही बनाया, क्योंकि उस टाइम पे यही, मतलब मुझे लगता था यही जॉनर था। अभी तो ऐसा लगता है कि 1000 चीजें कर सकते हैं। उस टाइम पे लगता था कि अगर कुछ भी करना है, यूट्यूबर बनना है, तो या तो आप वाइंस बना लो, ऐसी डाली वीडियोस डाली। उसके बाद फिर मैं टेक्निकल वीडियोस डाली कि आप कौन सा 10,000 के अंदर स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं, इस तरीके की वीडियोस। ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, 1000 व्यू भी आते थे, बहुत खुशी होती थी। उसके बाद मैंने मूवीज जॉनर पे स्विच कराई 2020 कोविड के टाइम। वो मैंने वहाँ पे एक नया कंटेंट पीस निकाला कि top 10 movies अवेलेबल ऑन YouTube पे क्या होता था कि मूवीज अपलोड होती हैं, है ना, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए 1 हफ्ते के लिए होती है, फिर चले जाते हैं। तो मैंने क्या करा, उन मूवीज को कलेक्ट करता था कि 10 मूवीज हॉलीवुड की अवेलेबल है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखो। तो वो फॉर्मेट इतना ज्यादा वायरल हुआ, आप समझो लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे 24 घंटे में आपके 1.5 लाख व्यूज आ रहे हैं। बाप रे, आपकी लॉन्ग फॉर्म पे आपके बेस्ट वीडियोस 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन आराम से कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स मूवीज वाले जॉनर पे थोड़ा वो कम होता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, तो इतना ज्यादा एड रेवेन्यू, पर फिर भी महीने का मैं, आप समझ लो 11-12 पे हूं, मैं महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। ये कम था आपके हिसाब से? हाँ, अभी तक मतलब फिर व्यूज के हिसाब से कम था ना, अभी टेक में ज्यादा आते हैं आप, बट फिर भी 1 लाख रुपए आ रहा था, ब्रांड डील्स पे आ जाती थी, तो उस टाइम पे मैं अच्छे से पैसा कमा रहा था। बट एक जो गलती हुई है जो मैं आगे बताऊंगा कि मेरा कभी भी ना मूवीज में इंटरेस्ट नहीं था। और अब मूवीज में इंटरेस्ट ना होने के बाद 1 लाख रुपए वही लगा। हाँ, आप कमा रहे हो। अभी क्या हुआ कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो जो लोग, जिन लोगों का इंटरेस्ट था, वो मुझसे बेटर करने लगे। ये जो फॉर्मेट था बहुत इजी था, top 10 movies अवेलेबल ऑन YouTube, कोई भी इंसान 2 घंटे में बना सकता है, उसको एडिटिंग आती है एंड वॉइस ओवर के लिए उसके पास माइक है। तो वह ये कि मेरे ही फॉर्मेट पे 10 और चैनल खुल गए, तो जहां मेरे 24 घंटे में 1 लाख व्यूज आ रहे थे, वो गिर के 50,000 हुए, 30,000 हुए, 10,000 हुए, 15,000 हुए। उसके बाद मेरा मोटिवेशन ही डाउन हो गया, राइट? क्या 15,000 पे क्या ही मैं डालूं, व्यूज भी नहीं आ रहे, ब्रांड डील्स भी नहीं आ रही, मैंने उस चीज को बंद कर दिया। तो वहां से मेरे 2 सबसे बड़े लेसन थे अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है। पहला, आप किसी भी ऐसी फील्ड में कंटेंट क्रिएशन मत स्टार्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आप काम करना नहीं चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे BNF TV एंड अभी का रिव्यू, जितनी भी आप PG Explained, मतलब मेरा चैनल इन इस रेंज में आता था, वन ऑफ इंडिया के अंदर टॉप 5 मूवी रिव्यूअर्स के चैनल पे आता था।
बट क्योंकि इन लोगों का बहुत अच्छा इंटरेस्ट था, ये लोग कॉमिक्स पढ़ लेते थे ना, मूवीज का इन डेप्थ रिव्यू भी कर लेते थे, मुझे ये सब नहीं पसंद। फॉर एग्जांपल आज कल की रिलीज है, मैं देख के आ जाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा ठीक ठाक थी, बट आप मुझे बोलो कि मैं ब्रेक डाउन करूँ, मुझसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इतना आता ही नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। तो क्योंकि उन लोगों को इंटरेस्ट था, उन लोगों ने मुझे पीट कर दिया, मेरा चैनल डेड हो गया, एंड मुझे ऑफकोर्स व्यूज नहीं आते थे, तो कॉन्टेंट बनाना धीरे 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 कम ही कर दिया। ये थी पहली गलती कि उस फील्ड में मैं कंटेंट बनाया जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने फेस रिवील नहीं करा। ओके, मेरी सारी वीडियोस फेसलेस थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो फैक्ट टेक्स वाला टाइम था जब सब लोग वो स्केच वाला महात्मा जी टेक्निकल स्केच वाली वीडियो बनाया, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे बना लेते, व्यूज तो आ ही रहते। तो सबसे बड़ी गलती हुई कि मेरा मुझे कोई जानता नहीं था। आई गेस अगर जानता होता तो कुछ तो व्यूज आ सकते थे। फॉर एग्जाम्पल पहले एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल का भी तो होता होगा, बहुत होता है, मतलब आप सोचो 9th-10th में कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा कम होता है, तो लोग सोचते हैं चेहरा नहीं दिखाते हैं, मेजॉरिटी सबसे ज्यादा लोग जो शुरू करता है वो स्टार्टिंग तो ऐसे ही करता है कि भाई चेहरा नहीं दिखाते, स्टार्टिंग ऐसे करता है। तो ये मेरा आप समझ लो 2022 में चैनल डेड हो गया पूरी तरीके से, है ना। फिर मैंने सोचा कुछ और करते हैं। अब बात ये थी कि अब मैं आता हूँ स्विच टू स्टॉक मार्केट जर्नी। जब मेरे महीने के 50,000 1,00,000 रुपए आ रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे पास पैसे तो आ रहे थे, खर्च करने के लिए कुछ नहीं था। मतलब एक छोटे से टाउन में आप रहते हो जहाँ पे डोमिनोज भी नहीं है, बर्गर किंग भी नहीं है, तो आप क्या ही खर्च कर लोगे, घर पे रहते हो, रेंट नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, स्कूल फीस आपके घर वाले पे कर रहे हैं, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं करना था। तो मैंने क्या करा कि स्टॉक मार्केट मुझे पता चला, मैंने एक वीडियो देखी थी कि राकेश झुंझुनवाला ने 5,000 रुपए से 5,000 करोड़ रुपए बनाए, मैंने बस वो एक वीडियो देखी, एंड आई वाज लाइक कि हाँ अब ये करना है। तो मैंने धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट करी, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मैंने ये नहीं सोचा था मुझे कंटेंट बनाऊंगा, बट मुझे मजा आ रहा था तो मैं कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। अभी जब मेरा 2022 में चैनल डेड हो गया, तो मैंने फिर जॉब्स करी। मैंने एक यूट्यूबर है ईसिंग करके, भरत शंकर, शायद आप जानते होंगे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो उनके साथ मैंने 6 महीने काम करा स्क्रिप्ट राइटिंग। तो मुझे वहां से बहुत कुछ पता चला कि स्क्रिप्ट राइटिंग करते कैसे, क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता है, स्पेशली इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट। मैंने वो करा, उसको 6 महीने बाद क्विट करने के बाद मैंने एक स्टार्टअप के साथ काम करा जिसका नाम था द फ्यूचर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे मैंने सेल्स सीखी, मैंने लास्ट ईयर ही क्विट करा 2023 नवंबर में, वहाँ मैंने 1 साल 1 महीने काम करा। ये दो चीज़ें करने के बाद मेरे पास स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ही, प्लस उसको प्रेजेंट कैसे करना आ गया, क्योंकि जो स्टार्टअप मैंने काम करा वो भी स्टॉक मार्केट कोर्सेज सेल करते थे, तो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन वाला चीज़ आ गई कि कैसे बेचना होता है। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने स्क्रिप्टिंग की 6 महीने जॉब करी थी उनके साथ, तो स्क्रिप्टिंग आती थी, प्लस स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट भी था, तो मैंने लॉन्ग फॉर्म स्टार्ट करा था 2023 जर्नी बताता हूँ। अप्रैल 2023 में मैंने लॉन्ग फॉर्म स्टार्ट करा, अप्रैल में जून जुलाई मैंने लॉन्ग फॉर्म करा, क्योंकि हमेशा से लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर यूट्यूब का क्रिएटर लॉन्ग फॉर्म स्टार्ट करता है, मैंने भी लॉन्ग फॉर्म स्टार्ट करा। लॉन्ग फॉर्म स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि शॉर्ट्स कर लेते हैं, सब शॉर्ट्स बना रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट्स करते हैं। मैंने जुलाई में शॉर्ट्स करी, यूट्यूब पर डालता था मैं, इंस्टाग्राम डालते ही नहीं था। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे डाली रील अगस्त 20th में डाली थी, एंड अगस्त 20 दिन में मेरे करीबन 50,000 फॉलोअर्स हो गए। ओ भाई, है ना। और फिर अभी 10 महीने आई गेस पूरे हो चुके हैं और 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो है कि ये था, अगर कोई भी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में आना चाहते हैं, दो चीज़ें आप कर लो, जैसे कि बोलते हैं ना कि आप ब्रांड डील में कंटेंट क्रिएशन 2,00,000, 5,00,000, 8,00,000, 10,00,000 रुपये कमाते हैं, बहुत सही बात है, फाइनेंस में भी कमाते हैं, सारे क्रिएटर कमाते हैं, बस दो गलती नहीं करना। पहला, आपको फेस रिवील करना है, फेसलेस चैनल्स की कोई वैल्यू नहीं आज की डेट में। दूसरा, आप किसी भी ऐसी फील्ड में मत आना जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिसको होगा वो आपको बीट कर देगा। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में आज मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं कुछ यूनिक कंटेंट बना सकता हूँ, मुझे पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं बना पाओगे, राइट। तो आप फैशन में जाओ, टेक में जाओ, कहीं भी जाओ, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दो स्किल मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि बेसिक आपको आना चाहिए, फिल्म मेकिंग क्या होता है, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग अगर खुद नहीं करनी तो एटलीस्ट कैसी होनी चाहिए आप इमेजिन कर पाओ, हुक कैसे लिखना होता है, स्क्रिप्ट की बॉडी कैसी होनी चाहिए, बेसिक आपको आता हो। मैंने नहीं बोला आप एकदम एक्सपर्ट लेवल आती हो फिल्म मेकिंग, बेसिक लेवल आता हो। दूसरा, आपको किसी एक फील्ड की एक्सपर्टीज हो, टेक में हो, कोडिंग में हो, फैशन में हो, कम्युनिकेशन में हो, किसी में हो, आप बहुत अच्छा कॉन्टेंट बनाओगे एंड बहुत अच्छा आप करोगे। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो हम लोग की जनरेशन अभी जो भी कंटेंट क्रिएशन में जा रहा है, वो अब अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा ये देखने लगा है कि भाई ऑडियंस किस तरफ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को दिख रहा है कि इस स्ट्रीम में ऑडियंस ज़्यादा जा रही है, तो लोग वो फील्ड स्टडी करने लग रहे हैं, इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, बस इसलिए कि भाई इस फील्ड में बनाऊंगा तो ट्रैक्शन ज़्यादा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर देखो मैं बोलूँगा आप
जिससे कि एलेक्स हॉर्मोजी है, उनकी रिसेंटली उन्होंने पॉडकास्ट में देखा था, तो उन्होंने बात बोली थी कि अगर आप किसी काम को 5 साल फ्री में कर सकते हो आप बढ़िया पैसा कमाओगे, है ना, 10 साल बढ़िया फ्री में कर सकते हो आप और ज़्यादा पैसा कमाओगे, एंड अगर आप लाइफ टाइम के लिए उसे फ्री में कर सकते हो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो सिंपल सी बात ये कि अगर जिस फील्ड में आप कॉन्टेंट बना रहे हो, आप एक बार ये सोचो कि क्या आप उसमें बिना कॉन्टेंट बनाए भी काम कर रहे थे, क्या आप बिना पैसे के भी काम कर सकते हो, तो वो फील्ड बहुत ज़्यादा, उस फील्ड में अगर आप जाओगे तो आप अच्छा करोगे। फॉर एग्जांपल किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वो उसे कंटेंट के लिए नहीं करेगा, वो खुद की खुशी के लिए भी करेगा। फॉर एग्जांपल किसी को स्केच बनाना पसंद है तो कोई इसलिए स्केच बनाना नहीं सीख सकता क्योंकि उसे कंटेंट बनाना है कि भाई पहले मैं स्केच बनाना सीखे तो उसके बाद मैं कंटेंट बनाऊँ, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको खुद से इंटरेस्ट है कि स्केच बनाने में तब आप कंटेंट बना सकते हो, राइट। जिसमें ज़्यादा ऑडियंस है उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जिनको जनरली उस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट होगा, नॉलेज होगा, वो डेफिनेटली आपको बीट कर देंगे। प्लस मैंने एक चीज़ और ये भी सुनी थी कि अगर सपोज मेरे पास 0 फॉलोअर्स हैं और मेरे को अचानक से 100K फॉलोअर्स मिल जाएं, तो मैं अपने उन 100K फॉलोअर्स वालों को क्या वैल्यू दे सकता हूँ जिससे वो मेरे को फॉलो करें और वो 100K 1 मिलियन हो जाए, तो वो मेरे को सोचना पड़ेगा एक कि मैं मेरे अंदर क्या वैल्यूज़ है जो कि मैं दूसरों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। सही, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब तक फॉलोअर्स नहीं होते तब तक कुछ भी ना लो, बट एक बार फॉलोअर्स आ जाते हैं ना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इन्हें मुझे वही कंटेंट देना है जिसके लिए मुझे इन्होंने फॉलो करा किया। फॉर एग्जांपल काफी लोग गलती क्या करते हैं, मिक्स कंटेंट डाल देते हैं, सब कुछ डाल दिया, टेक भी डाल दिया, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई वो भी डाल दिया, तो किसी एक चीज की वजह से आपके ना ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं। फिर मैं बोलता हूँ इसे कॉन्टेंट क्रिएशन में कि आप चमकीला बन जाते हो कि आपके ऑडियंस ने जिस वजह से आपको फॉलो करा है ना फिर आपको वही दिखाना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने पेनी स्टॉक्स की वजह से फॉलो करा है, मैंने काफ़ी सारे रील्स बनाए कि टॉप पेनी स्टॉक्स कौन से हैं, 10 रुपये 5 रुपये के स्टॉक्स, अब मैंने स्टार्टिंग में बना दी क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना था, कुछ भी बनाना था, अभी मैं वो बनाना नहीं चाहता हूँ, राइट। बट मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं बनाऊँ, मुझे पता है कि मेरी नेक्स्ट जो पेनी स्टॉक की वीडियो होगी 10 मिलियन जाने वाली है, बट मैं चाहता नहीं कि मैं बनाऊँ, बट फिर भी मुझे बनाना पड़ेगा भाई, चमकीलाली बात है कि लोगों को क्योंकि आपने एक जो ऑडियंस लाई है अपने पास, हाँ, कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आई है, तो आप कंटेंट बना रहे हो ध्यान से बनाओ, क्योंकि अगर आपकी किसी वीडियो के वायरल होने के जो फॉलोअर्स आ गए तो उन्हें फिर वही देखना। अच्छा रोचित भाई, आप इतने टाइम से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप अलग अलग सेक्शंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन एक्सप्लोर कर चुके हो, मूवीज, स्टॉक्स एंड एवरीथिंग, टेक एग्जैक्टली, तो फिर आपके हिसाब से अगले 5-10 सालों में कंटेंट क्रिएशन स्पेस में कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा बूम कर सकते हैं? यार कंटेंट क्रिएशन सेक्टर में जितने भी नीश हैं सब बूम करने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग है वो भी करने वाले हैं और नए बहुत सारे नीश खुलने वाले हैं, राइट। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ASMR क्रिएटर्स अभी नहीं है, तो इस तरीके की बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल के आने वाली हैं, तो जितना आप घुस सकते हो ना इन डिटेल, छोटी चीज़ पकड़ सकते हो, राइट, उतना ज़्यादा आपको उस नीश में ग्रोथ मिलेगी। प्लस मुझे लगता है अभी इंडियन जो कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई है। हाँ, अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी खराब कंटेंट बना रहे, वो भी चल रहे हैं, है ना, किसी भी चल रहे हैं, बेसिकली वही चल रहा है। मतलब अगर स्टॉक मार्केट में देखो तो फोन से रिकॉर्ड करके लोग डाल रहे हैं, उनके वीडियोस पे व्यू आ रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे ये चीजें कम होंगी एंड जो भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट ला पाएगा, जो सच में वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा, वो धीरे धीरे बड़े बनेंगे, एंड जैसे ऑफकोर्स मेच्योर होता है तो जो खराब क्वालिटी दे रहे होते हैं वो खत्म ही हो जाएंगे, एंड आई गेस वो अच्छी भी चीज है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन सेक्टर्स हैं जो कि 5-10 साल में आगे बूम करने वाले हैं, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट, हाँ, पे ही बनाते हो? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने शुभम, कि कौन से सेक्टर्स हैं जो अगले 5 साल में बूम करने वाले हैं। तो 5 ही सेक्टर हैं जो बूम करने वाले हैं, आप भी नोट डाउन कर सकते हो। पहला सेक्टर तो EV है, डेफिनेटली सबको पता है EV मार्केट में आ रही है, हर साल एटलीस्ट 150% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, राइट। हाँ, तो EV सेक्टर तो आने ही वाला है। सेकेंड इज एथेनॉल। जब तक नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर हैं और 10-15 साल अगर रह जाते हैं तो अगले 10 से 15 साल तक एथेनॉल सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है। अभी पेट्रोल के अंदर ब्लेंडिंग 10% है एथेनॉल की, और इन फ्यूचर अगले 5 सालों के अंदर 20% होने वाला है। एथेनॉल सेक्टर वो अच्छा करनी है। थर्ड इज इंफ्रा। इंफ्रा के अंदर में रोड्स आ जाते हैं एंड हमारे पोर्ट्स वाले आ जाते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल रोड्स एंड पोर्ट्स वाले स्टॉक, अडानी पोर्ट्स, GMR पोर्ट्स, एंड रोड्स के अंदर HG इंफ्रा, GR इंफ्रा एंड IRB इंफ्रा, ये सेक्टर आ जाते हैं। उसके बाद एक हमारा सोलर सेक्टर है, राइट। सोलर पे भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, तो उसकी वजह से सोलर को पुश मिल रहा है, सब्सिडी बेसिकली सबसे ज़्यादा मिल रही है सोलर के ऊपर, इस वजह से सोलर सेक्टर तो बढ़ ही रहा है। उसके बाद लास्ट सेक्टर आता है रिन्यूएबल एनर्जी। अभी इंडिया टोटली डिपेंडेंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, धीरे धीरे जो कंपनीज रिन्यूएबल पे कर रही हैं
मैं बोल रहा हूँ जो सिर्फ सोच रही है इस बारे में, स्टेप्स ले रही है, 10 साल आगे का स्टेप ले रही है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल NHPC देख लो, NHPC का अभी कुछ नहीं है, ना प्रॉफिट ग्रोथ है, ना सेल्स ग्रोथ है, बट क्योंकि वो रिन्यूएबल पे काम कर रहे हैं तो उनका शेयर प्राइस भाग रहा है। तो ये 5 सेक्टर्स हैं जो आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारे साथ सिद्धांत, ट्रेडिंग के सिद्धांत थे, तो उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर इस समय बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है, क्योंकि जो बाहर के इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, सपोज मार्क ज़करबर्ग हो गए या फिर इलॉन मस्क हो गए, दीज पीपल आर इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर भी आगे बढ़ने वाला है? यार मैं इस बात से डिसएग्री करूँगा, एग्रीकल्चर सेक्टर मुझे लगता है कि बहुत कम बढ़ने वाला है एंड बहुत स्लो ग्रोथ मिलने वाली है। डेफिनेटली बात है कि वो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, बट वो बहुत कम ऑडियंस है, जो इंडिया वन है ना, टॉप 1%, 1 करोड़ लोग, उसके आगे कोई कंज्यूम नहीं करने वाला है, राइट? मैं आज 20 रुपये किलो का आलू खाता हूँ, मैं वही खाता रहूँगा। अगर आप मुझे बोलोगे 100 रुपये किलो वाला खरीदे तो मैं नहीं खरीदूँगा। एंड सबसे बड़ी बात यह, आप मुझे ये बताओ शुभम भाई कि आज शुगर है, 1 किलो शुगर कितने की आती है? 40 रुपये 40। 10 साल पहले कितने की आती थी? आप टमाटर ले लो, आलू ले लो, ऑलमोस्ट इनका जो प्राइस है वो बढ़ता ही नहीं। आप वीट ले लो, 20 रुपए किलो मुझे लगता है हमेशा से मिलता था, अभी भी मिलता है, वो सीजन के हिसाब से प्राइस चेंज होता है, बट ऑलमोस्ट साइकिल वही है ना। बाकी आप हर चीज का प्राइस देख लो बढ़ रहा है, तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसका जो एंड प्रोडक्ट है उसका प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, तो उस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आ भी नहीं सकती है, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 20 रुपए किलो आपका वीट बिक रहा है, तो अगर वो 20 रुपए किलो ही बिकता रहेगा आने वाले 3-4 साल तक, तो फिर जो मैं जब वीट बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फार्मर हूँ, तो मैं ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इसको मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एंड प्रोडक्ट ही सस्ता बिक रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, 1000 तरीके की चीज़ें होती हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इसीलिए अगर आप देखोगे ना, एग्रीकल्चर के स्टॉक्स भी हैं, जैसे UPL हैं, जितने भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बनाती हैं, कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सब नीचे गिरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल UPL लास्ट 3 साल के हाई से नीचे गिरा हुआ है, एंड वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड स्टॉक है, बिल्कुल पिटा पड़ा है। तो रोचित, इक्विटी मार्केट और रियल स्टेट मार्केट में क्या डिफरेंस है? देखिए, इक्विटी मार्केट में सबको पता है कि 15% का इंटरेस्ट मिलता है, रियल स्टेट मार्केट में सबको पता है कि 8-9% का हमें ग्रोथ रेट मिलता है कंपाउंडेड। बट मैं बोलूँगा कि इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न आपको रियल स्टेट देगा, ठीक है? क्यों देगा कि मैं बता देता हूँ। इक्विटी में जो भी स्टॉक आज इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर, वो बोलता है कि आज मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदा है, मैं इसे कब बेचूं? 20% बढ़ गया अब बेच दूं, 50% बढ़ गया अब बेच दूं, या फिर 100% बढ़ गया अब बेच दूं। रियल स्टेट में भले ही आपको 8-9% मिलता है, बट रियल स्टेट का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, हर कोई होल्ड करना चाहता है। आपने आज खरीद लिया तो आप बेचोगी नहीं, है ना? क्योंकि वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इतना उसमें टीडियस प्रोसेस है, मतलब आपको बेचना है भाई, इतना आपको टैक्स देखना पड़ेगा, कैसे बचाना है, आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, आपको 10 चीजें करनी है। तो रियल स्टेट का इन्वेस्टमेंट आज जनरेशनल होता है, आपने खरीदा, वो आने वाली शायद नेक्स्ट जनरेशन उसका यूज करेगी या फिर शायद उसे बेचेगी। तो जो टाइम पीरियड मिलता है ना, 30-40-50 साल का, उसमें रियल स्टेट आपको इक्विटी मार्केट से ज्यादा रिटर्न देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि इक्विटी में लोगों का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, लोगों का 1 साल का नहीं होता, तो वो 1 महीने का नहीं होता। 1 महीना अगर कोई स्टॉक रिटर्न दे देता है तो लोग हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें, बेच, तुरंत सेल कर, तुरंत सेल कर। तो आई फील रियल स्टेट मार्केट इज वेरी गुड, आपको करना चाहिए। इक्विटी मार्केट आप तब करो जब आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्टेड को रह सकते हो, तो आपको इक्विटी मार्केट करना चाहिए। आई फील एक परसेंटेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को भी डाइवर्सिफिकेशन भी करना है, राइट, इक्विटी और रियल स्टेट के अंदर, या फिर इक्विटी वर्सेस कुछ भी, आपको गोल्ड करना है, आपको गोल्ड करना है, तो 100 माइनस और एज बहुत ही अच्छा रेशियो है। फॉर एग्जांपल आई एम 21, तो 100 को माइनस करूंगा अपनी एज से 21, तो इट इज 79%। तो 79% मैं अपना इक्विटी के अंदर रखूंगा, बाकी मैं रियल स्टेट में कर सकता हूँ, मैं गोल्ड में कर सकता हूँ, मैं बॉन्ड में कर सकता हूँ, मैं FD में कर सकता हूँ, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रियल स्टेट या गोल्ड, इन दोनों में रियल स्टेट या फिर गोल्ड, मैं बोलूंगा रियल स्टेट करना चाहिए। बिकॉज अभी क्या, इट डिपेंड्स कि आपका गोल्ड में कितना डाइवर्सिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मेरी फैमिली ने इतना गोल्ड ऑलरेडी ले रखा है, तो मुझे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। एंड आई फील
रियल स्टेट ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप देखो गोल्ड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर नहीं सकते, है ना। आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख का गोल्ड नहीं खरीद सकते, आप डेफिनेटली घर पे नहीं रख सकते, इनकम टैक्स का डर है, दूसरा वो बहुत चोरी होने का डर है, मेकिंग चार्जेस लगते हैं, 1000 तरीके के चार्जेस लगते हैं। डेफिनेटली उसका एक अल्टरनेटिव है कि आप SGB के अंदर इन्वेस्ट कर, तो वो एक सेपरेट बात है। बट मैं फिजिकल गोल्ड वर्सेस फिजिकल लैंड की बात कर रहा हूँ, उसमें फिजिकल लैंड ज्यादा सेफ है, क्योंकि वो एक आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, आप बड़ा प्राइस भी कर सकते हो, एप्रिसिएशन भी वहाँ पे काफी अच्छा में देखने को मिलता है। गोल्ड का क्या है, काफी साइक्लिकल है, अभी लास्ट 3-4 सालों में अपना 40,000 से एकदम 75,000 आ चुके हैं, अभी हो सकता है नेक्स्ट 3-4 साल, अभी रिसेंटली गिरा था गोल्ड, हाँ अभी तो करेंटली आई थी 73,000 यहाँ पे चल रहा है ना, तो हो सकता है 1-2-3 साल इसी प्राइस रेंज पे चलता रहे, तो आई गेस रियल स्टेट इज बेटर ऑप्शन। एंड प्लस रियल स्टेट में ज्यादा लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, मिडिल क्लास लोगों को शायद इस बात का ना पता हो, काफी लोगों को नहीं पता है, रियल स्टेट में क्या होता है कि आपको जो ब्लैक मनी होता है ना, काला धन, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका व्हाइट के अंदर। काफी लोगों को ट्रिक शायद ना पता हो, तो ट्रिक ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक जमीन है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, लेट्स से ये जो पूरा प्लॉट है ये 1 करोड़ रुपए का है, इसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए की, बट यहाँ का जो सर्कल रेट होगा उसके हिसाब से ये जमीन सिर्फ लेट्स से 40 लाख रुपए की है ना। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से शुभम भाई की जमीन है, तो शुभम भाई को मैंने 40 लाख रुपए पेमेंट कर दिया कैश, मतलब अपना वाइट में, है ना, आपको चेक लिख दिया या फिर रजिस्ट्री पे जो हमारा अमाउंट मेंशन होगा 40 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए मैं आपको ऑन कैश दे दूंगा, है ना, वो हमारा टेबल अंडर द टेबल हमारी डील हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा कि रोचित ने 40 लाख रुपए की जमीन खरीदी, शुभम गवर्नमेंट को क्या लगेगा शुभम ने 40 लाख रुपए की बेची, अब मुझे उस पर टैक्स देना होता है 40 लाख रुपए पे, इनको 40 लाख रुपए मिले, इनको भी उसी इनकम पे टैक्स देना होगा, जो 60 लाख रुपए मिले वो आपके लिए टैक्स फ्री है, जो मैंने 60 लाख रुपए दिए उसमें मुझे टैक्स देना नहीं पड़ा। तो इस वजह से रियल स्टेट जितने भी, जैसे इंसान ज्यादा पैसा कमाना स्टार्ट करता है उसे टैक्स बचाना होता है, तो फिर वो रियल स्टेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करता है, क्योंकि बहुत ईजी रहता है, आप 20 लाख के प्रॉपर्टी को आप 4 लाख में लीगली खरीद सकते हो, 16 लाख रुपए आप बहुत इजीली अंडर द टेबल बचा सकते हो, उस पर आपको टैक्स नहीं देना, ना आपको देना है ना खरीदने वाले का। और इसमें बता दूं बहुत बड़े बैरियर भी होता है रियल स्टेट के अंदर, अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो आप सारा पेमेंट आप वाइट में कर ही नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं या फिर अगर लैंड वाले वो बोलेंगे भाई 60-70% ज्यादा हम वाइट में लेंगे नहीं, उन्हें भी चाहिए कि भाई हमें कैश, तो आप हमें सबको ही टैक्स बचाना है। वो नहीं चाहते कि उनको आप दिखा दो कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, वो चाहते हैं कि भाई आप 5 लाख की रखो 10 लाख की रखो, सबको टैक्स बचाना होता है। इसीलिए रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट अगर आपका ज्यादा पैसा है तो बेस्ट ही है, इसके अलावा भी बहुत अच्छा रहता है रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट। ये तो फिर भी मुझे लगता है थोड़े अपर मिडिल क्लास साइड के लोगों का होगा, बट जो बड़े बिजनेसमैन है उनको यूजुअली हम लोग ने देखा है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा बैक करती है कई मामलों में, जैसे अभी स्टॉक्स की अगर बात करें हम लोग तो बिना कोई नाम लिए पुट साइड पे जो भी बड़े बिजनेसमैन होल्ड करते हैं पोजीशंस उन्हें गवर्नमेंट बैक करती है, तो इस पे गवर्नमेंट का क्या फायदा है? देखिए गवर्नमेंट का फायदा है ही है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत बार जरूरत पड़ती है, इलेक्शंस आते हैं, फंड्स की जरूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है, बोलने में कुछ है नहीं, है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सबको चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो लीगल सिस्टम हो गया कि क्या पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल अगर शुभम भाई एक फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिशियन है, शुभम भाई को जरूरत थी फंड्स की, मैंने इन्हें फंड्स प्रोवाइड कर दिए, शुभम भाई जीत के आ गए, आप मुझे क्यों नहीं फेवर करोगे? जाहिर सी बात है, तो जो भी हो रहा है भले देखने में बहुत ज्यादा गलत लगे बट बहुत ज्यादा नेचुरल है। मुझे लगता है कि अगर हम और आप भी बैठे होंगे उस जगह पे तो शायद हम भी वही कर रहे होंगे जो आज गवर्नमेंट कर रही है। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट फेवर्स करती है बिजनेसमैन को, करती भी है, एंड आई गेस कहीं ना कहीं दे ऑल्सो डिजर्व इट, बट पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब आई फील कि मौका सबको मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस किस्सा है एयरपोर्ट्स का, है ना, कोई एक बिजनेसमैन है जो एयरपोर्ट्स के लिए बिड करते हैं और सारे एयरपोर्ट्स उन्हें मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की पार्शियलिटी भी नहीं होनी चाहिए, बट अगर आप फेवर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत फेवर चलता है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट करती है। बट आई थिंक गवर्नमेंट और बिजनेसमैन का रिलेशन बहुत पुराना है, उस इन दोनों के बिना चल ही नहीं सकता है देश, बहुत पुराना है, गवर्नमेंट के बिना देश नहीं चल सकता, बिजनेसमैन की वजह गवर्नमेंट नहीं चल सकती है, गवर्नमेंट नहीं चल सकती, इसीलिए दोनों का जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई फील वो चल रहा है एंड चलता भी रहेगा, दोनों को फायदा भी हो रहा है, तो ये चलता ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें तो गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है या पैसा? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपने एक पुणे का केस सुना होगा, पोर्शे से एक 17 साल के एक लड़के ने 2 लोगों का मर्डर कर दिया, हिट एंड रन था, हाँ, हिट एंड रन था। तो अभी उसको बेल मिल गई रिसेंटली, व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या हाथ था और पैसे का क्या हाथ था? पैसे के बल पे वो तो बाहर आ गया, क्योंकि पहले जुवेनाइल कोर्ट कहता है कि भाई उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसको 300 वर्ड का ऐसे लिखने को दे दो, और अभी जो बेल मिली है वो इस उस पे मिली है कि ही इज इन ट्रॉमा।
तो डेफिनेटली भाई पैसा तो बड़ा है ही है, बट अगर बात करें गवर्नमेंट बड़ी है या पैसा बड़ा है, डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर फॉर एग्जांपल रही उस बच्चे को बेल मिल गई, डेफिनेटली पैसा इन्वॉल्व होता ही है, एंड सिर्फ पैसे से वो चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, वहाँ पे गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल पावर आती है। ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे सब कुछ हो गया, डेफिनेटली उनके जो फादर हैं उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस रहे ही होंगे, ऑफकोर्स ही वाज अ बिल्डर, तो वाज अ बिल्डर, तो पॉलिटिकल कनेक्शंस रहती हैं, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक पैसा कुछ नहीं कर सकता, राइट। अब डेफिनेटली फिर से वही बात आ गई कि गवर्नमेंट फेवर करती है जो बिजनेसमैन होते हैं, तो डेफिनेटली वो फेवर रिटर्न करके जिस तरीके से बोला जा सकता है। एंड एट द एंड अगर फाइट ही हो जाए कि भाई बिजनेसमैन और गवर्नमेंट या फिर मनी वर्सेस गवर्नमेंट कौन जीतेगा, तो गवर्नमेंट ही जीतेगी। हर्षद मेहता एक बहुत ही अच्छा केस है, राइट। हर्षद मेहता स्कैम हुआ, राइट, हर्षद मेहता स्कैम बोल लेते हैं, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उसमें सिर्फ हर्षद मेहता इन्वॉल्व नहीं थे, ये बात सबको पता है। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व थे, सब कुछ इन्वॉल्व, बैंक्स भी इन्वॉल्व थे, सब इन्वॉल्व थे, राइट, बैंक्स के एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व थे। बट जब फंसने की बारी आई, जब किसी को लटकाने की बारी आई, तो गवर्नमेंट पीछे हट गई, हर्षद मेहता को टांग दिया गया। अब हर्षद मेहता के पास पैसे नहीं थे, बहुत पैसा था, राइट, उस लाइक इंडिया का सबसे बड़ा एडवांस टैक्स पेयर था, तो आप समझ लो इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा था तो हर्षद मेहता के पास था। बट एट द एंड फिर भी गवर्नमेंट के आगे उन्हें झुकना पड़ा, एंड उनका क्या हुआ, सैड एंड हुआ, ये बात सबको पता है। तो गवर्नमेंट ही जीतती है, एंड एक हद तक पैसा जाके रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहे जितना पैसा कमा दो, आपको पैसे से अगर पावर में जाना है तो वो पॉलिटिक्स में, आप भले ही एक एमएलए बन जाओ, आप अगर एमएलए हो शायद आप शहर के सबसे अमीर इंसान नहीं हो, आपसे ज्यादा अमीर कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बट आप उस शहर के सबसे पावरफुल इंसान हो बिकॉज आप एमएलए हो। तो गवर्नमेंट जो पावर है वो गवर्नमेंट से आती है, पॉलिटिक्स से आती है। पैसे से आप पावर तब खरीद सकते हो जब आपका रिलेशन ही पॉलिटिक्स में अच्छा हो, पॉलिटिशियन के साथ अच्छा हो, तब वो चीज आ सकती है, बट अल्टीमेट पावर गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस के पास ही। आप अभी हर्षद मेहता की बात कर रहे थे, तो स्कैम 1992 सबने ही देखी है, बट एक चीज जो कि अभी भी थोड़ी डार्क लाइंस पे है वो कि हर्षद मेहता की डेथ। हाँ, आप उस पे कुछ लाइट शेड करना चाहोगे? हर्षद मेहता की डेथ का बहुत इंटरेस्टिंग केस है, और ये केस शेयर हुआ है उनकी वाइफ ने, ज्योति मेहता ने शेयर करा। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो उनकी वाइफ ने बोला है, ना कि मैं बोल रहा हूँ। तो हुआ ये था कि हर्षद मेहता की डेथ हुई थी 30 दिसंबर 2001 में 11 बजे उनकी डेथ हुई थी, बट हर्षद मेहता को उनकी वाइफ ने बताया कि उन्हें पहला हार्ट अटैक 7 बजे आया था, मतलब 4 घंटे पहले, अपनी डेथ से पहले 4 घंटे पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। जो वहाँ के जेल के जो भी लोग थे, राइट, एम्प्लॉयज थे या फिर जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स थे, उनकी लापरवाही इतनी थी कि ना उन्होंने मेडिसिन दी, राइट। अब हर्षद मेहता कोई छोटे इंसान तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है या फिर वो परेशान है, तो ना ही उन्हें मेडिसिन दी गई, ना ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो फर्स्ट अटैक उन्हें आया है 7 PM पे, सेकेंड अटैक उन्हें आया 11 बजे, जिसमें 4 घंटे का टाइम था, बहुत ईजिली उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था, वो बच सकते थे। बट एक आप बोल लो कि उन्हें मरवाना ही था या फिर गवर्नमेंट चाहती ही थी ऐसा हो, इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, एंड 11 बजे उनकी अनफॉर्चुनेटली मौत होगी। अगर उन्हें मेडिसिन भी दी जाती, उनकी वाइफ ने बोला दी जाती, तो शायद उनकी जान बच सकती थी, पर डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। और इसके अलावा अगर दूसरी बात करती हर्षद मेहता की डेथ के बाद आखिर उनकी फैमिली का क्या हुआ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनके पैसे का क्या हुआ। तो 2001 में हर्षद मेहता की डेथ होती है, 2003 में उनकी वाइफ को उनका पोर्टफोलियो मिलता है, उस टाइम उसकी वैल्यू थी करीबन 50 करोड़ रुपए। तो आज हर्षद मेहता की जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू, जो उनकी वाइफ के नाम पे करेंटली, उसकी 400 करोड़ उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। उसमें बहुत सारे शेयर्स है जो उस टाइम पे पंप एंड डंप हुए थे, फॉर एग्जांपल ACC। अभी बात करते हैं उनकी फैमिली का है। तो सबसे पहले बात करते हैं अश्विन मेहता, तो ही वॉज नॉट अ लॉयर, वो काम करते थे हर्षद मेहता के साथ, बट ही इज नाउ अ प्रैक्टिशनर लॉयर इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो अभी भी केसेस लड़ते हैं, राइट। सेकेंडली उनकी वाइफ आती है ज्योति मेहता। सबसे ज्यादा हर्षद मेहता की वजह से कोई सफर करा है तो वो उनकी वाइफ है, क्योंकि वो लीगल हेयर थी। तो इसके वजह से जितने भी केसेस थे उनकी डेथ के बाद सब कुछ उनको ट्रांसफर हो, उनके प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो गए, उनके केसेस भी ट्रांसफर हो गए। तो आप समझ लो हर हियरिंग में उन्हें जाना पड़ता था, हर हियरिंग में उन्हें जाना पड़ता था, उन्हें प्रेजेंट होना रहता था। उनके अश्विन मेहता भाई भी जाते थे क्योंकि सारे केसेस लड़ते थे। अभी फाइनली 2019 में उनके सारे केसेस को कोर्ट ने खत्म कर दिया, उन्हें बरी कर दिया हर्षद मेहता को। तो 2019 में सब कुछ खत्म हो चुका है ऑफिशियली। उनके बाद ज्योति मेहता ने ये सारी चीजें बताई हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उनके बाद उनका एक बेटा भी है, राइट, एंड उनका जो बेटा है वो अभी भी स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, ट्रेड भी करता है, एंड डेफिनेटली उतने बड़े ट्रेडर तो नहीं है जितने बड़े हर्षद मेहता है, बट इज अ क्वाइट बिग ट्रेडर। बट उनकी कोई फोटो नहीं है, अगर आप सर्च करोगे ना हर्षद मेहता का बेटा कौन है, तो कोई भी नहीं है। एक जो फोटो सर्कुलेट होती रहती है ट्विटर पे हर्षद मेहता का, एक मीम भी मैंने देखा था कि ही इज माई फादर,
वो नहीं है, ही इज नॉट हिज सन, उनकी कोई फोटो नहीं है। जब उनकी हर्षद मेहता की डेथ हुई थी उस टाइम पे बस उनकी एक फोटो है जहाँ पे वो रो रहे थे, एंड वो उनकी काफी एज हो चुकी है। अभी मैं उनका जो बेटा दिखा रहे हैं वो बहुत यंग है, अपने 20-25 में, राइट? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। 2001 में उनकी डेथ हुई थी, तो 19-20 साल का उनका बेटा कैसे हो सकता है? तो वो काफी उनकी एज हो चुकी है, इज इन मिड आई गेस 30s या 40s, कोई इनकी फोटो नहीं है। एंड काफी वो न्यूज में नहीं आते हैं, फोटोज नहीं खिंचाते हैं, बट ही इज इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। अतुल मेहता नाम है उनका। अभी हम लोग हर्षद मेहता की बात कर रहे थे, हर्षद मेहता के ही साथ में थे एक राकेश झुंझुनवाला जी, उन पे इल्जाम लगाया जाता है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे। तो पहले तो रुचित, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, अगर कोई फॉर एग्जांपल अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन है और मैं उस पर ट्रेड करता हूँ तो उसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आईटीसी का रिजल्ट कल आने वाला है, मुझे आज पता चल गया कि आईटीसी का रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। फॉर एग्जांपल उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, 50% की प्रॉफिट ग्रोथ है, 50% की सेल्स ग्रोथ है, मैंने आज जाके उस न्यूज़ पे मैंने ट्रेड ले ली। फॉर एग्जांपल मैंने आईटीसी को बाय कर लिया क्योंकि मुझे पता है कल वो ऊपर जाने वाला है, मैंने आज बाय करा, कल मुझे प्रॉफिट हो, कल मैंने बेच के निकल गया। इससे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इलीगल है, सेबी आपको फाइन मारेगी, एंड ग्लोबली भी इलीगल है, आप किसी भी कंट्री के अंदर ये चीज़ करते हो तो इलीगल है। बट फिर से वही बात आती है, क्या ये चीज़ होती है? डेफिनेटली होती है, आज भी मार्केट के अंदर होती है। एंड जैसे भी आपने नाम लिया राकेश झुंझुनवाला, हर्षद मेहता, अब नो वन नोज कि इन्वॉल्व थे नहीं इन्वॉल्व थे, बट अगर आप इस स्केल पे काम कर रहे हो, राइट, आपका पोर्टफोलियो 5,000 करोड़ का है, तो इस तरीके की न्यूज आपके पास आ ही जाती है, एंड कहीं ना कहीं आप क्लेवरली उस चीज़ को यूज भी कर लेते हो, है ना? आज की डेट में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे किसी कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला होता है, राइट, उसका शेयर 1-2 हफ्ते पहले से ऑलरेडी ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी का मर्जर होने वाला होता है, राइट, दो कंपनीज मर्ज होने वाली होते हैं, 1 हफ्ते पहले से ही उसका जो शेयर प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, फिर लोगों को पता चलता है मर्जर होने वाला है, फिर एकदम से शूट अप हो जाता है। डेफिनेटली, क्योंकि अब ह्यूमंस ही हैं, कोई रिजल्ट बना रहा है किसी कंपनी का, आप चाहे जितने सीक्रेट रख लो, वो धीरे धीरे चीजें बाहर आ जाती हैं। बट सेबी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई भी ऐसी चीज होती है उस पर बहुत अच्छा एक्शन लिया जाता है। धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट जितना टाइम बीत रहा है सेफ होता चला जा रहा है। आई थिंक एक बार आपका पोर्टफोलियो उतना बड़ा हो जाता है तो आपका सर्कल ही वैसा हो जाता है कि आप जो स्टॉक्स एक्चुअली खरीद रहे होते हैं उनके सीईओ के साथ आप बैठे ही होते हैं। डेफिनेटली, अब जैसे हम बात करें कि झुंझुनवाला की, अगर हम बात करें झुंझुनवाला के पास टाइटन का 5% का स्टेक है। अब अगर आपके पास किसी कंपनी का 5% का स्टेक है तो आपको उस कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट की सारी बातें पता है कि उनकी मीटिंग में क्या हो रहा है। आप ऑलमोस्ट डायरेक्टर लेवल पे जा ही चुके हो, एक ओनर हो चुके हो, आप डेली जाके पूछोगे कि यार धंधा कैसा हुआ है। तो डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि राकेश झुंझुनवाला को ना पता हो। तो इनसाइडर ट्रेडिंग डेफिनेटली होती है, एंड सब करते हैं। वैसे वही बात है, जो पकड़ा जाता है उसने करी है, जिसने जो नहीं पकड़ा जाता है उसने नहीं करी है। तो झुंझुनवाला जी कभी नहीं पकड़े गए, तो डेफिनेटली मैं भी बोलूंगा उन्होंने कभी नहीं करी है। कोई और ऐसा एग्जांपल आप दे सकते हो? अभी देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात नहीं, बट मैं पंप एंड डंप की बात करना चाहता हूँ। आज की डेट पे ऑपरेटर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि ऑपरेटर स्टॉक में है, ऑपरेटर मैनिपुलेट करता है, ऑपरेटर रिटेलर्स का पैसा डुबाते हैं, तो इस पर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ऑपरेटर्स कभी भी लोगों का पैसा नहीं डुबाते। ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेटर का काम होता है कोई स्टॉक 10 रुपए का है तो 10 रुपए से स्टॉक को खरीदेगा, 10 रुपए से ले जाके उसे 50 रुपए पे खड़ा कर देगा। अब अभी उसका क्या है, पेपर प्रॉफिट है, 10 रुपए का स्टॉक 50 रुपए चला गया, मतलब उसका 440 रुपए का प्रॉफिट है, 400% उसके पोर्टफोलियो में दिख रहा है। अभी वो प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता क्योंकि अगर बुक करेगा तो फिर से नीचे आ जाएगा क्योंकि खरीदा ही उसने। अब सारा ऑपरेटर्स का काम करते हैं न्यूज वाले, राइट, न्यूज चैनल्स, आर्टिकल्स एंड जितनी भी पब्लिसिटी होती है स्टॉक के बारे में वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब उस 50 रुपए के स्टॉक का नाम आपको सुनना स्टार्ट होगा, न्यूज चैनल पे न्यूज एंकर्स उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, राइट, यूट्यूब पे लोग उसके बारे में बात करेंगे, न्यूज के जो आर्टिकल्स हैं वो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अब जनता को पता चला है कि वो स्टॉक है क्या। अब धीरे धीरे उस स्टॉक की इतनी हाइप बनेगी कि लोगों को लगेगा यही है स्टॉक जो भाई अगला आपको पैसा बना के देने वाला है। तो वहां पे क्या है कि रिटेलर, पब्लिक, हम लोग, आप लोग आके उसे 50-50 रुपए में खरीदना स्टार्ट करेंगे, जो ऑपरेटर है वो उसे बेच के निकल जाता है। तो मेन विलन आज की डेट में ऑपरेटर नहीं है, वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर जो लोग उस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, न्यूज चैनल्स हो गए, न्यूज आर्टिकल्स हो गए, इवन सोशल मीडिया पे भी शेयर्स के बारे में बात होती है। एंड पंप एंड डंप बहुत ही क्लेवरली एग्जीक्यूट होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऑपरेटर्स एंड जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, आर्टिकल्स हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ही इजिली एग्जीक्यूट होता है, एंड आज भी हो रहा है एंड होता रहेगा। अब तो अनएथिकली कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी, मैंने जब शुरू की थी ट्रेडिंग तब मैंने देखे कि कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी ये पंप एंड डंप, हाँ हाँ,
डेफिनेटली अगर आपका कोई बड़ा टेलीग्राम चैनल है आपको अपफ्रंट पैसे ऑफर करे जाएंगे कि आपने टेलीग्राम पे स्टॉक की बाय कॉल डालो. फॉर एग्जांपल अगर आपके टेलीग्राम चैनल पे 1,00,000 मेंबर है, 10,000 मेंबर भी हैं, ठीक है, आप एक्टिवली आपको फॉलो करते हैं, तो आपको क्या होगा कि आपको बोलेंगे कि आप इस शेयर के एनालिसिस अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालो एंड हम आपको इतना पे करेंगे, राइट. तो इस तरीके की चीजें होती हैं, पंप एंड डंप हर जगह चलता है. और ये टेलीग्राम चैनल के ओनर्स ऐसा करते हैं कि वहां पे वहां तक लेके जाते स्टॉक और फिर वहां से एग्जिट ले लेते हैं. हाँ, दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो जो टेलीग्राम का ओनर है वो खुद इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो बस वो पैसे लेकर अपना बोल सकते हैं कि बस मैंने पैसे ले लिए बात. लेकिन एट द एंड नुकसान तो फिर ट्रेडर्स का ही होता है. हाँ, नुकसान रिटेल ट्रेडर्स का होता है, डेफिनेटली वही फंसते हैं हमेशा. तो मूविंग टू द कटाक्स सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, श्योर, जिसमें आपके इंडस्ट्री या आपके ऊपर ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स थ्रो किए जाते हैं बाय द ऑडियंस, तो उस पे आपको कटाक्ष देने हैं कि इस पे आपका क्या टेक है. sure, sure. तो पहला सवाल है कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, पहली बात तो वो सेबी रजिस्टर्ड होते नहीं है और वो लोग ज्ञान देते हैं कि भाई ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये वाला खरीद लो, लेकिन खुद वो लोग कोर्स बेच बेच के अपना पेट काट रहे होते हैं. हाँ, पेट चला रहे होते हैं. sure, sure. तो ये इस पे आपके क्या कटाक्ष है? ठीक है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है वो खुद तो बता रहे कि भाई स्टॉक ये कर लो ये कर लो तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन खुद इधर कोर्सेज बेच रहे हैं. कोर्सेज बेच रहे हैं. मैं बताता हूँ, एक जो इन्फ्लुएंसर है जितने भी लोगों का वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के नाम पे पागल बना रहा है, तीन तरीके होते हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं, ठीक है. पहला तरीका होता है जो घनश्याम ट्रेडर फॉलो करते हैं कि आप मेरे जीरोदा के लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर लो, रेफरल इनकम उससे होती है, ₹100 आपको मिलेंगे, आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूंगा. प्रीमियम ग्रुप पे लेट से बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपके 10,000 लोग हैं जिन्होंने आपके रेफरल लिंक से ओपन कराए, 10,000 लोग में से लेट से 5,000 लोग ट्रेड करते हैं डेली का आपका, लेट से हर इंसान ₹50 की ब्रोकरेज पे करता है, राइट. दिन की ब्रोकरेज कितनी होगी? जो ब्रोकर को जाएगी ₹1,25,000. और ये जो ब्रोकर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होता है, वो सब ब्रोकर होता है जिसको 40-50% कमीशन शेयर होता है ब्रोकरेज का. मतलब आप समझो उस इन्फ्लुएंसर की दिन की 60-65,000 की इनकम हो रही है सिर्फ अगर 5,000 लोग ट्रेड कर रहे हैं. जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके टेलीग्राम में 1-1,00,000 लोग हैं, उनका तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना कमा रहे होंगे. ये पहला तरीका. दूसरा तरीका है कि आप कोर्सेज बेचो, एजुकेट करो, राइट. ये अच्छा तरीका जहाँ पे आप लोगों को एजुकेट करो, स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा रहे हो. तीसरा तरीका बहुत क्लेवर तरीका है. अभी क्या हुआ, एकदम से वेव आई है कि हम उनसे सीखेंगे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, हम उनसे सीखेंगे जो प्रॉफिट बनाते हैं, जो अपना वेरीफाइड पीएनएल दिखाते हैं. अभी इस बात पे बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है. होता है कि आप समझो कोई बड़ा यूट्यूबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, मेरे पास 2,00,000 का पीएनएल बनाना प्रॉफिटेबल कोई बड़ी बात नहीं. मैं निफ्टी में पैसा डाल के छोड़ दूं, अगले साल अगले एक महीने में वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2-3% मैं बेच दूं और मैं दिखाऊं कि भाई देखो ये मेरा वेरीफाइड पीएनएल, लास्ट 2 महीने में मैंने 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट करा है, आज वो मेरा कोर्स खरीद लो. तो ये बहुत ही नॉर्मल स्कैम चल रहा है आजकल. मैंने देखा है बड़े बड़े पेज वाले 1,00,000-2,00,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम तो हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं. लोग कन्विंस हो जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि हाँ सही बात है, भाई प्रॉफिटेबल ट्रेड हो रहे हैं, फिर वो सिखाना स्टार्ट करते हैं. और अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, या फिर जितने भी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फेमस है, वो क्या करते हैं कि आपको बताएंगे कि आप ये करो, अपना जो असली पैसा है वो कमाते हैं कोर्स पेज के बाद. बिल्कुल 100% सच है, मेरे खुद 1 मिलियन फॉलोवर है. आपको बताता हूँ, अगर कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर इंस्टाग्राम पे अच्छी फॉलोइंग है, यूट्यूब पे अच्छी फॉलोइंग है, तो उसका असली पैसा आप समझ लो कोर्सेज बेच के ही आ रहा है, रेफरल इनकम से आ रहा है, ब्रांड डील से आ रहा है, राइट. ट्रेडिंग या तो वो करता ही नहीं है, या तो बस इसलिए करता है ताकि उसका ये अभी जो करंट धंधा है वो चलता रहे. क्योंकि आप सोचो आपके पास 1,00,000 रुपए, आप ट्रेडिंग करके महीने का कितना कमा लोगे? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000. एक अच्छा ट्रेडर महीने का 3% बनाता है, हर महीने बनता भी नहीं है. 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000. अगर आपके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम और ब्रांड डील्स आपके आती हैं, आप बहुत ईजिली कोर्स सेल करके ट्रेडिंग के अंदर बहुत ईजिली 15-20 लाख रुपए बना सकते हो. बहुत ईजिली ट्रेडिंग जॉनर के जितने भी क्रिएटर्स हैं बहुत ईजिली 15-20 लाख रुपए बनाते हैं. तो आप किस बिजनेस पे फोकस करोगे? एक बिजनेस पे जहाँ पे आपको 2-3 लाख रुपए आएगा बहुत मेहनत के बाद, दूसरा बिजनेस जहाँ पे आपको बस थोड़ी चीजें फेक करनी है, थोड़ा झूठ बोलना, थोड़ा मैनिपुलेट करना, थोड़ा मैनिपुलेट करना है, पूरा सच नहीं बताना है. मैं बताऊँ इन्फ्लुएंसर पूरा सच नहीं बताते हैं, ये बताते कि भाई प्रॉफिट हुआ, ये नहीं बताएंगे कि लॉस कब हुआ. तो पूरा सच नहीं बनाना है, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे. तो डेफिनेटली जाहिर से बात है, मुझे लगता है जो अभी ट्रेडर्स कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, कोई भी इंसान उस जगह पे होगा तो वही करेगा. पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो गलत तो नहीं है, क्योंकि भाई आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप कुछ तो फायदा उठाओगे ना. डेफिनेटली गलत बिल्कुल भी नहीं है. अगर एक ट्रेडर है या इन्वेस्टर है जो मार्केट में आया सीखना चाहता है, मैं आपको बता दूं, आपको खुद अवेयर होना रहेगा कि कौन सा ट्रेडर अच्छा है, कौन सा इन्वेस्टर अच्छा है. एंड मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग तो आपको कोई सिखा ही नहीं सकता. आप चाहे जिसका कोर्स ले लो, चाहे
कुछ भी कर लो, ट्रेडिंग आपको कुछ कोई नहीं सिखा सकते। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको खुद सीखने पड़ेगी। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जितने भी ट्रेडर कोर्सेज खरीद के बनना चाहते हैं, राकेश झुंझुनवाला के एक कोट है, जब उन्होंने बोला था सर आप मुझे ट्रेडिंग सिखा दो, तो वे बोलते हैं कि मेरे घर पे एक मेड है ना, वो 10 साल से मेरे घर खाना बना रही है, मेरी माँ ने उसे दाल बनाना सिखाया बट आज तक उसकी दाल में वो टेस्ट नहीं आया जो मेरी माँ के हाथ में आता है। तो वही चीज़ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी दाल में कोई टेस्ट है, मैं आपको नहीं बता सकता वो उस दाल में टेस्ट कैसे आएगा, तो ट्रेडिंग अगर मुझे आती भी है मैं आपको सिखा नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छी स्किल है, बहुत सिर्फ एक्सपीरियंस के थ्रू लिए जा सकती है। आप मुझे बताओ, जितने भी लोग बोलते हैं ट्रेडिंग हम कोर्स खरीद के सीख जाएंगे, उनसे मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि उन जो इंसान सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है उसे खुद नहीं पता कि मैं कैसे कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोनाल्डो से बोलो कि आप मुझे एक नया रोनाल्डो बना दो, अपनी तरह खेलना सिखा दो, उसे खुद नहीं पता वो कैसे खेल रहा है। मतलब वो 10 चीजें आपको गिनाएगा कि ये करो बट उसे नेचुरली उसके अंदर वो टैलेंट आया है जिसकी वजह से खेल पा रहा है। वो चीज पास ऑन नहीं करी जा सकती दूसरे तीसरे लोगों को। और जब फुटबॉल, क्रिकेटिंग और डांसिंग जैसे स्किल्स इतनी इजिली नहीं आपको दूसरे इंसान को पास ऑन करी जा सकती है, ट्रेडिंग भी एक वैसी स्किल है। आप नहीं कर सकते हो कि आपने कोर्स खरीदा आप बन जाओ, और हर इंसान ट्रेडर बन भी नहीं सकता। एक बहुत यूनिक स्किल्स चाहिए होती है ट्रेडिंग बनने के लिए। मुझे लगता है 2-3 स्किल हैं अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके अंदर होने चाहिए। पहला, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपनी ट्रेडिंग इनकम से रेंट भरना है, आपको ट्रेडिंग इनकम से आपके बच्चे की फीस जानी है। अगर ऐसा है आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो गए उस चीज़ पे। दूसरी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब आप पैसे को एज अ बिजनेस देखो, आपके लिए वो एक नंबर होना चाहिए। आपका 10,000 का प्रॉफिट हो, 10,000 का लॉस हो, आपका जो इमोशनल स्टेट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिट पे खुश हो रहे हो, लॉस पे दुखी हो रहे हो, आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, राइट। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो एंड सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो, राइट, तो आप रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल भी हलके में ना लो, राइट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी कर लेते हो, जीरो हीरो ट्रेड कर लेते हो, स्ट्रेटजी बदलते रहते हो, या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री ले ली, रिस्क और जो कैपिटल मैनेजमेंट है वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, आप बड़ा पैसा बना लो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए, जीरो होने के लिए बस एक दिन जगेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 4 जून को बहुत लोगों का कैपिटल जीरो हो गया, 8% नीचे आ गया जिन्होंने कॉल बाय करी थी। मतलब आई नो पीपल जिन्होंने 4 जून के दिन अपना पूरा सारा पैसा लगा दिया था कॉल्स पे, है ना। मतलब बहुत बड़ा, जिनके पास 1 लाख रुपए होता है, हाइप भी उसी हिसाब से बनाई जा रही थी। सबने बोला था 4 जून को मार्केट एकदम ऊपर जाने वाला, इवन मैंने भी बोला था, है ना, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट। तो 4 जून को मार्केट ऊपर होना है, काफी लोगों ने अपना ऑलमोस्ट सारा पोर्टफोलियो लगा दिया, जिससे 1 लाख का कैपिटल वो लगा देता है ना कॉल साइड पे, एंड उनका जीरो हो गया, खत्म हो गया। 1 लाख का कैपिटल बनाने में हो सकता है 1 साल लगाओ, 1.5 साल लगाओ, पूरी जिंदगी लगी हो, है ना, किसी को नहीं पता कितने स्ट्रगल से बनाया, तो जीरो हो गया। तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक। अच्छा, अगर हम लोग पोर्टफोलियोज की बात करें तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा बड़ा भाई ट्रेडिंग अच्छी करता है, ठीक है, तो मैं उसका पोर्टफोलियो एज इट इज कॉपी करता चलो हमेशा, और उससे हम दोनों का म्यूचुअल प्रॉफिट होता रहे। बेसिकली पोर्टफोलियो कॉपीइंग करके बनाया जा सकता है प्रॉफिट? नहीं, पोर्टफोलियो कॉपी करके या फिर किसी भी ट्रेडर इन्वेस्टर को कॉपी करके कोई पैसा नहीं बना सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट 1.5 साल पहले नितिन कामत ने नजारा टेक के अंदर इन्वेस्ट करा 100 करोड़ रुपए। अब 100 करोड़ रुपए उनके लिए कितना छोटा अमाउंट है, उनके नेटवर्थ का 0.2% है, तो उनके लिए उन्होंने बस 0.2% इन्वेस्ट करा है। हो सकता है वो गैम्बल कर रहे हो, अगर वो जीरो हो जाए क्या फर्क पड़ेगा, उनकी 1 घंटे की नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना, उतना ही रहने वाला है। बट अगर आप उसे कॉपी कर लो कि आप भी नजारा टेक में पैसे डाल दो, एंड हो सकता है आपके लिए 1 लाख रुपए बड़ा अमाउंट हो, तो फिर उस चीज से आप पैसे नहीं बना सकते। दूसरा, आप किसी को कॉपी करके पैसा नहीं बना सकते। सौरभ मुखर्जी को आप जानते हो, राइट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बहुत ही फेमस बुक है, उसका ऑथर है सौरभ मुखर्जी। उनका मार्सलेस करके एक फंड है, इतने ज्यादा नॉलेज है उनको, आप उनके पॉडकास्ट सुनोगे, आप उनकी बुक्स पढ़ोगे, वन ऑफ द बेस्ट बुक बनाई है। बट उनका जो पीएमएस है, जो मार्सलिस फंड है, निफ्टी को भी बीट नहीं कर पा रहे है, निफ्टी से भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप किसी को कॉपी करके पेस्ट करके आप पैसा बना लो, कोई नहीं सकता, कि किसी के लिए 100 करोड़ रुपये बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल नितिन कामत के लिए 100 करोड़ रुपये इसलिए कुछ नहीं है, 0.2% ऑन नेटवर्थ, क्या फर्क पड़ता है, आपके लिए 1 लाख रुपये बहुत बड़ी बात है। तो किसी फॉलो करके आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबके लिए यार पैसे का जो वैल्यू बहुत डिफरेंट है। किसी के लिए 1,000 रुपये बहुत छोटी बात है, कोई बस कहीं भी स्पेंड कर देगा, और किसी के लिए 1,000 रुपये मतलब आप समझ लो उसकी 1 दिन की 2 दिन की इनकम, तो बहुत डिफरेंट होता है। किसी को फॉलो करके आप पैसा बना ही नहीं सकते, एंड कभी पैसा नहीं बनेगा, आपको डेफिनेटली लॉस होने वाला है। तो रोचित भाई, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, और बचपन से हम लोगों ने घरों में यही सुना है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, या फिर स्ट्रेटेजाइज बेटिंग की तरह देखते हैं, कि ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट में डाला जाता है कि कुछ गलत हो जैसे,
तो फिर क्यों ऐसा अभी तक परसेप्शन है स्टॉक मार्केट का, इस पर आपके क्या कटाक्ष है? हमारी फादर की जनरेशन बोलती है कि स्टॉक मार्केट जो है बिल्कुल सही बोलती है, क्यों? अगर आप 1980s, 90s या 2000 में इवन जाओगे, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, आप लोगों को पता है, इंटरनेट से पहले कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई किताब पढ़ के इन्वेस्टिंग नहीं करता है, सिर्फ ये बात सपनों में होती है, राइट? लोग क्या करते थे, ब्रोकर के पास जाते थे, ब्रोकर से बोलते थे कौन सा स्टॉक आप बाय कर लें, जिस तरीके से लॉटरी स्क्रैच करी जाती थी उसी तरीके से स्टॉक खरीदा जाता था कि चलो आज ये खरीद लेते हैं, तो आप समझ लीजिए जुआ नहीं है तो क्या है, राइट? पूरा जुआ है। उसके अलावा दूसरा रीजन जिसकी वजह से जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है, फादर की जनरेशन, डरती है स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करने की, वो है स्कैम्स। आप समझो 1992 का जो स्कैम एक्सपोज हुआ था मार्केट, उस टाइम पे सेंसेक्स 4000 में था, 4000 से गिर के सेंसेक्स 2000 पे आ गया था, मतलब 50% क्रैश हमें देखने के लिए मिला था। इस तरीके के बहुत सारे स्कैम्स आते रहे उस 90s के अंदर एंड 2005 तक भी आते रहे, एंड 2008 में हमारा लास्ट क्रैश हुआ, तो इसकी वजह से जो डर है वो बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब आप समझो 4000 तक सेंसेक्स पहुँचने में बहुत टाइम लगा, जिसने 3000 इन्वेस्ट करा है वो 2000 पे आ जाए, मतलब आप समझो अगर आज के टाइम पे निफ्टी 25000 पे अगर 12000 पे आ जाए तो जो ये जनरेशन है ये भी बोलने लगेगी कि स्टॉक मार्केट छोड़ देते हैं, स्टॉक मार्केट जुआ है, कुछ नहीं होने वाला है। तो जो माइंडसेट है लोगों का वो इस बात पे बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इवन जिस जनरेशन में जो चीज़ बूम करती है लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जब जनरेशन थी उस टाइम पर रियल एस्टेट बूम था, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, राइट? अभी क्या है, स्टॉक मार्केट बूम है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बस स्टॉक मार्केट की ग्रोथ देखी है, जब से मैं जानने वाला हूँ स्टॉक मार्केट बढ़ ही रहा है, तो वी आर सो मच कन्विंस्ड कि स्टॉक मार्केट ही वो चीज़ है जिससे पैसा बनेगा, वो बात अभी सच लग रही है। अगर कल को आने वाले 4 साल 5 साल 10 साल के लिए मार्केट लेट से कंसोलिडेट कर जाता है या फिर गिरने लगता है या फिर 4-5 साल रिटर्न नहीं देता है, सबका जो माइंडसेट है फिर चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत साइक्लिकल चीज़ है। अभी क्या है कि फादर की जनरेशन वो सोचते थे रियल एस्टेट अच्छा है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, तो अभी जो करंट जनरेशन है वो बोलती है स्टॉक मार्केट अच्छा है, रियल एस्टेट खराब इन्वेस्टमेंट होता है। आने वाली अगली जनरेशन फिर से सोच सकती है कि भाई रियल एस्टेट अच्छा है, स्टॉक मार्केट जुआ होता है। तो ये थॉट प्रोसेस है, इवॉल्व होती रहती है जनरेशन के हिसाब से कि किस जनरेशन में क्या चीज़ ग्रो कर रही है। अभी इक्विटी ग्रो कर रही है तो हम बहुत पैसे बन रहे हैं ना, तो कन्विंस हैं कि इक्विटी इज बेस्ट। वैसे भाई आपने मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बनाया है? ठीक है, मैं ट्रेडिंग तो करता नहीं, राइट? ऑफ कोर्स मैं बता दूं, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूं, तो मैं इन्वेस्टिंग करता हूं एंड प्लस मैं इन्वेस्टिंग करता हूं, इन्वेस्टिंग के ऊपर कंटेंट बनाता हूं, ट्रेडिंग के ऊपर मेरा कंटेंट भी नहीं है एंड मैं ट्रेडिंग करता भी नहीं। स्टार्टिंग मैंने करी है, तो जब मैंने ट्रेडिंग करी थी तो मैं इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करता था। मैं आपको बताता हूं, इंट्राडे मैंने स्टार्ट करा, मेरी इंट्राडे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने जब मुझे पता चला कि आपको लेवरेज मिलता है, मतलब आप 300,000 रुपये से आप 3,000-5,000 के शेयर खरीद सकते हो, मैं तो पागल हो गया। जब मुझे पता चला कि आप स्टॉक्स को बेच भी सकते हो इंट्राडे के अंदर, मुझे तो लगा यार तो गेम चेंजिंग चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक को बाय करो और वो ऊपर जाए, आप मतलब सेल भी कर सकते हो। जिस दिन मुझे पता चला इतना ज़्यादा, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुश था कि यार आप सेल भी कर सकते हो, बट 2-3 महीने वो जोश रहा मेरा, उस टाइम ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, 7-8 हज़ार का लॉस हुआ। मैंने सोचा कि यार अब तो ट्रेडिंग नहीं हो सकती, इमोशनली बहुत ड्रेन कर देता है, मतलब फाइनेंशियली तो लॉस होता ही है, इमोशनली इतना ज़्यादा दिमाग आपका उस चीज़ में ख़राब हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। मैंने वो क्विट कर दी, फिर मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करी एंड उसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट था टाटा मोटर्स के अंदर 86,000 रुपीज़ का, वो एक दिन में नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट 1 महीना लगा था। तो मैंने अराउंड 120 उसे खरीदा था एंड अराउंड 240 मैंने उसे बेचा था, 86,000 रुपीज़ का टाटा मोटर्स में प्रॉफिट हुआ एंड वो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है, क्योंकि मैंने टाटा मोटर्स को 240 रुपये में बेच के 86,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर वो शायद ना करा होता तो आज वो मेरा पैसा शायद 4 गुना होता, तो सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। और इन्फ्लुएंसरशिप से आपने मैक्सिमम 1 महीने में कितने कमाए? इन्फ्लुएंसर से मैक्सिमम मैंने अभी तक कमाए हैं 5 से 1 लाख रुपये जो 1 महीने में आते हैं। ओके, 1 महीने में आप आराम से 5 से 10 लाख के बीच में आप रेंज करते हो, अगर आप एक फाइनेंस क्रिएटर हो। फाइनेंस क्रिएटर बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मतलब आप समझ लो मैं एकदम 10 महीने हुए तो मुझे कुछ पता नहीं है, मतलब कंटेंट क्रिएशन और ये वर्ड के बारे में, कोर्सेज कैसे बेचने होते हैं, मोनेटाइज कैसे करने होते हैं, ये सब चीज़ें पता नहीं है। तो ईजिली अगर गुड मंथ चाह रहा है 5 से 10 लाख के बीच में कहीं भी लाइक कर सकता है, किसी महीने हो सकता है 10 लाख के ऊपर भी चला जाए। एंड फाइनेंस क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा अगर कंटेंट क्रिएशन के अंदर कोई पैसा कमा रहा है तो फाइनेंस क्रिएटर है। आपने सुना होगा सारे क्रिएटर्स 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये 4 लाख रुपये कमाते हैं। मैं आपको बता दूं फाइनेंस क्रिएटर्स टॉप टीयर, फॉर एग्जांपल अंकुर बारिक को, लेबर लॉ एडवाइजर, CA Rashan Rd, या फिर टॉप के जितने भी क्रिएटर्स हैं जो आपको टॉप 5 टॉप 10 में देखने के लिए मिलेंगे, साल का आराम से 10 से 20 करोड़ रुपये कमाते हैं।
10 to 20 crore rupees. बाप रे, आराम से। अंकुर वारिको तो रिवील कर रहा है उसके लाइक 25 crore rupees हैं, सबका इतना ही है। अंकुर वारिको के तो रूल से खत्म नहीं होते। खत्म ही नहीं होते हैं, बहुत इजीली कमाते हैं। सबसे ज्यादा कमाते हैं ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स। बिकॉज ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स का क्या है कि अगर कोई इंसान ट्रेडर है और ट्रेडिंग वो अच्छी करता है, फिर लोगों को दिखा पाता है जस्ट कि वो एक अच्छा ट्रेडर है, उसके लिए कोर्स बेचना बहुत आसान चीज है। क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग के कोर्स क्यों बेचते हैं, क्योंकि उसमें आपको जो रिजल्ट है इंसान को लगता है बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। मतलब उसे लगेगा कि भाई मैंने 5,000 रुपये इस बंदे को दिए ट्रेडर को, जैसे मैं 5,000 रुपये दूंगा मुझे एक सीक्रेट स्ट्रेटजी पता चलेगी, कल पता चलेगी, मैं परसों से मार्केट में ट्रेड करूंगा और मैं पैसा बनना स्टार्ट कर दूंगा। जाहिर से बात चार दिन में अमीर बन जाऊंगा, जाहिर से बात है वो ऐसा होते नहीं है। और जो इंसान बेच रहा है वो भी चाहता है कि आप ऐसा सोचो, वो बोलेगा नहीं बट वो चाहता है कि आप ऐसा सोचो, तभी आप कोर्स कर रहे हो। तो बहुत इजिली कोर्स बिकते हैं ट्रेडिंग के। एंड जैसे रिसेंटली आप देखोगे सेबी ने फाइन भी मारा था बाप ऑफ चार्ट्स को, 7-8 crore rupees का फाइन मारा था। इट शोज कितना कमाते हैं। मतलब आप जो 7-8 crore rupees उसके बैंक में थे, फाइन तभी मारा था उसके बैंक में थे, मतलब इतना 7-8 crore rupees वो था जो उसने जो वो खर्च नहीं कर पाया। आप सोचो उसने कितना खर्च कर दिया होगा, कहाँ इन्वेस्ट कर दिया होगा, कितनी गाड़ियां ले ली होंगी, कितने घर बना लिए होंगे, या फिर कहाँ कहाँ किसको किसको दे दिया होगा। तो ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर जो ट्रेडिंग पे वीडियोस बनाते हैं, ट्रेडिंग कोर्सेज देते हैं, साल का बहुत इजीली 10 से 20 crore rupees कमा रहे हैं। जो टॉप टीयर हैं वो 20 crore कमा रहे हैं, नीचे के 10 crore कमा रहे हैं, एंड जो हमारे जैसे छोटी मछलियाँ हैं वो महीने का साल का 1 crore rupees 1.5 crore rupees कमा रहे हैं। ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसरशिप कर लेनी चाहिए थी। हाँ, इन्वेस्टिंग भी इतना नहीं होता। 1 crore कमाने वाले छोटी मछलियां कह रहे हैं अपने मतलब अब जो 20 crore कमा रहे हैं उसके सामने 1 crore बहुत छोटी बात हुई। एंड मैं बता दूं इन्वेस्टिंग में इतने ज्यादा कोर्सेज बिकते भी नहीं है। इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म बेट है। मतलब मैं लोगों से क्या प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि आप साल का कितना कमाते हो, मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लेट्स से आप 20% अपना एनुअल रिटर्न बनाते हो साल का 20%। मैं बोलता हूँ कि अगर आप मेरे कोर्स बाय करते हो, मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेक्टर एनालिसिस करके दूंगा, प्लस हर संडे आप मेरे साथ बैठने वाले हो, तो आप साल में 52 बार मेरे साथ बैठोगे, डिस्कशन करोगे, तो मैं बोलता हूँ कि आपका 20% से 25% हो जाएगा, राइट? 5% का आपको गेन मिलेगा क्योंकि आपने इतना सीख लिया होगा, आप मेरे साथ डिस्कशन करोगे, तो इतना तो होने वाला है, आप खराब स्टॉक इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो मैं ये चीज प्रॉमिस करता हूँ। तो उसमें कन्वर्जन रेट उतना ही नहीं होता है जितना लोगों को लगता है कि भाई ट्रेडिंग में आज खरीदा कल स्ट्रेटजी पता चली परसों से हमारा प्रॉफिट, ऐसे ही नहीं। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेन है। तो एज ए इन्वेस्टिंग इन्फ्लुएंसर इतना ज्यादा स्कोप है ऑफकोर्स, बट उतना नहीं है इतना ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में मुझे लगता है 5 times ज्यादा है। अगर मेरे 1 million फॉलोअर ट्रेडिंग में होते तो मैं महीने का इजिली 40-50 lakh rupees कमा रहा हूँ। तो कमाते हैं, मतलब मेरे स्किल के जो 1 million फॉलोवर्स वाले हैं ट्रेडिंग का कंटेंट बनाते हैं, इजिली 40-50 lakh rupees महीने कमाते हैं। आप कोई भी स्टॉक कैसे इवैल्यूएट करते हो, किसी आप खुद इन्वेस्ट करने के लिए, आपने किसी जिसको आप मेंटोर कर रहे हो उसे इन्वेस्ट करवाने के लिए, आपका क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी स्टॉक को इवैल्यूएट करने का? ठीक है, इवैल्यूएट करने से पहले मैं बताता हूँ कि क्या किस तरीके के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, एक होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स मुझे लगता है इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े बड़े स्टॉक्स देख लो, आप HDFC देख लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लो, एशियन पेंट्स देख लो, ये सारे स्टॉक 3 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिए। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मुझे लगता है एक हिसाब से बेवकूफ़ी है। फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, आप क्या करो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 मैंने इन्वेस्ट कर दिया अपना 40% पोर्टफोलियो, ऑफकोर्स वो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टेड है, निफ्टी की 50 companies, तो मुझे स्टॉक नहीं पिक करना है कि मैं इसमें करूँ इसमें करूँ, तो सीधे ग्रुप में कर दिया, ग्रुप में कर दिया, एंड वो ओवरऑल अच्छा ही रिटर्न देगा। मुझे लगता है HDFC में इन्वेस्ट करके कोई प्रॉफिट नहीं होता, बट अगर निफ्टी में कर देता तो इवेंचुअली ग्रो करते ही। तो लार्ज कैप के लिए मैं निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। बट अगर आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जो टाइटन की तरह हो, मतलब 2 रुपए का आप खरीदो एंड वो आपका 3500 रुपए का हो जाए, तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है जो स्मॉल कैप होती है, मतलब जिनकी मार्केट कैप 2000 crore से लेकर आपकी 10,000 crore तक होती है। स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना होता है। एंड किसी भी कंपनी के अंदर स्मॉल कैप के अंदर आप इन्वेस्ट करो, बस आपको 5 चीजें गिन के आप ये देख लो, अगर अच्छी हैं आप इन्वेस्ट कर दोगे डेफिनेटली पैसा बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। पहला है उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, राइट? उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 15% का होना चाहिए। 15% से नीचे 4-5% का आप छोड़ दो, भूल जाओ, उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना। सेकेंड इज प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर मतलब मालिक, रिलायंस के मालिक कौन है? अंबानी। आपको देखना है कि प्रमोटर स्टेक बेच नहीं रहा होना चाहिए। FIIs और DIIs खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, अगर बेच रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको देखना है कि तीनों की होल्डिंग स्टेबल हो या फिर बढ़ रही हो, तो अच्छी बात है। थर्ड थिंग इज आपको देखना है कि उसका जो नेट इंटरेस्ट है वो नेट प्रॉफिट उसका इंटरेस्ट इनकम से 2x होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी 100 रुपये का इंटरेस्ट पे करती है बैंक को हर साल, तो उसका प्रॉफिट एटलीस्ट 200 रुपये होना चाहिए, ताकि अगर किसी दिन फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए किसी साल, तो ऐसा ना हो कि बैंक को पैसे ही ना दे पाए, राइट? उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है, एटलीस्ट हमारा 15% का ये चीज़ होना ही चाहिए। एंड लास्ट है हमारा
प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज में आपको देखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। वो अगर चीज़ नेगेटिव में है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो नहीं आ रहा किसी कंपनी के अंदर, वो कंपनी किसी काम की नहीं है। तो ये पांच चीज़ें देख लो, आपका पैसा स्मॉल कैप्स में बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मैं बोलूँगा इवेल्युएट, तो हमने ऐसे कर दिया। ये मैं पांच चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पांच चीज़ें ये बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक्चुअली 10 चीज़ें देखता हूँ। पांच चीज़ें आपको ये देखनी है स्टॉक के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो और आप फंसना नहीं चाहते, मतलब आप ये नहीं चाहते कि स्टॉक ऊपर मैं खरीदूँ टॉप पे और वो नीचे आ जाए, आपको बस एक चीज़ देखनी होती है, किसी भी स्टॉक का जो मीडियन पी है उसके आसपास आपको खरीदना है। मीडियन पी क्या होते हैं, screener.in पर जाइए आप देखिए, एक साल का टाइम फ्रेम लगाइए। मीडियन पी फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक का 13 का है, आपको ट्राई करना है कि आप उसे 13-14 के आसपास ही खरीदो। वो अगर 20-25-30 पे है तो आप उसे मत खरीदो, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, स्टॉक मार्केट में आपको सही प्राइस पे चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में लोग ऐसा करते हैं है ना, कि शिखर भाई आप बताओ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी मंडी जाते हो है ना, उसमें हमेशा आलू 40 रुपए किलो मिलता था, आज आप गया 60 रुपए किलो आलू मिला, तो आप खरीदोगे? ऑब्वियसली नहीं है ना। अगर खरीदेंगे भी शेखर भाई तो उतना नहीं खरीदेंगे जितना वो खरीदने आए थे। फॉर एग्जांपल आपको 5 किलो खरीदना था तो आप बोलोगे यार आज तो महंगा है, तो आज एक किलो 2 किलो ले लेते हैं, काम चल जाए। तो इस तरीके से आप एक माइंडसेट रख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल पी रेशियो बहुत ज्यादा है तो आप उतना मत खरीदो जितना आप इंटेंड करते हो, आप थोड़ा कम खरीद लो एंड वेट करो कि भाई थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो अगर आलू जैसे चीज़ में लोगों का दिमाग चलता है कि हाँ भाई सस्ता खरीदना है, स्टॉक में लोगों का दिमाग नहीं चलता है ना। और पी रेशियो आप जरूर देखो, मीडियम पी के अगर कोई पास स्टॉक है तो आप उसे बाय कर सकते हो अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं। एंड स्मॉल कैप होना चाहिए 2000 से 10000 करोड़ का, एंड डेफिनेटली वो आपको टाइटन जैसे रिजल्ट दे सकता है। 10 स्टॉक खरीदोगे उसमें से आई गेस 2-3 तो दे ही देंगे, उसमें से 7-8 आपका ब्रेक इवन पर रहेंगे, 2-3 आपको लॉस दे देंगे। स्मॉल कैप में आपके कुछ फेवरेट स्टॉक्स कौन कौन से? जैसे मैं जब भी साइन अप करता हूँ किसी पे स्मॉल कैप में, आई थिंक सबसे पॉपुलर स्टॉक्स में मुझे एक निपॉन का दिख जाता है तुरंत ही, कि इसमें इन्वेस्ट कर लो। स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, मैं बहुत छोटी कंपनीज नहीं बताऊंगा क्योंकि लोगों का लॉस हो सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा सेफ, कंपेरेटिवली सेफ बता दूँ जिसमें लॉस नहीं होने वाला है। 5 कंपनीज बताता हूँ स्मॉल कैप के जो मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। पहली है हमारी HG Infra, राइट। HG Infra रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। दूसरी कंपनी भी GR Infra है, दोनों कंपनीज रोड बनाती हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर मिलते हैं NHAI से एंड फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। अभी भी शेयर प्राइस अच्छा बढ़ रहा है, मैंने जहाँ से खरीदा है 60-70% आप है। सेकंड इज EID Parry, जैसे कि मैंने बोला एथेनॉल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, राइट। तो एथेनॉल के जितने भी शेयर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। उसके बाद चौथा शेयर है आस्क ऑटोमेटिव, ये शेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ बैंक में, तो मुझे महाराष्ट्र बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। PSU बैंक्स की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, महाराष्ट्र बैंक मुझे लगता है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा कर सकता है और अभी भी कर रहा है, मतलब शेयर प्राइस डेफिनेटली उसका ग्रो कर रहा है एंड मुझे लगता है इजीली बहुत ऊपर, इजीली 100 रुपये के ऊपर जा सकता है। तो 5 स्टॉक्स हैं। इसके अलावा छोटे स्टॉक्स बहुत सारे हैं, वो मैं शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि ये कंपनीज कभी बंद हो सकते हैं। वही वाली बात है कि मैंने पैसे इसलिए डाला है क्योंकि वो पैसा मेरे लिए बहुत छोटा है। हमें नाम बताऊँ उसमें कोई इंसान डाल 10000 रुपये फिर बोलेगी लॉस करवा दिया, बहुत रिस्की। एंड ये भी सारी कंपनी रिस्की है ना, स्मॉल कैप्स में रिस्क ही है, तभी है, मतलब ज्यादा रिस्क तभी ज्यादा रिटर्न, और रिस्क है तो इश्क है, वो वाली बात हो जाती है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? यार डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है? हाँ, पहले तो मैं बता रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिंपल है कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए एक जगह ना इन्वेस्ट करिए क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। तो एटलीस्ट आप 100 रुपए को बांट दीजिए, मतलब 33 रुपीज एक आप जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 33% एक जगह पे कर रहे हैं, 33% एक जगह पे कर रहे हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सिंपली इंपॉर्टेंट है। एंड इट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रिटायर होने वाले हो तो आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत डिफरेंट होगा, मतलब आपका इक्विटी में से 20-30% इन्वेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिक्स्ड में होगा, बॉन्ड्स में होगा, FDs में होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं अभी 21 का हूं, मैं बहुत यंग हूं, तो मैं अपना सारा पैसा है ना इक्विटी मार्केट में डाल के रखा है मैंने एंड रियल एस्टेट मार्केट में डाल के रखा है क्योंकि मैं वो रिस्क लेना अफोर्ड कर सकता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है, बट हर स्टेज पे ये डिफरेंट होता चला जाता है। अगर आप यंग हो, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप पैसे कमा सकते हो, तो फिर मुझे लगता है कि आप 100% इक्विटी में रखो, कोई इश्यू नहीं है। बट धीरे धीरे अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, आपके पास EMIs आपके आ गए हैं जो आपको पे करने के लिए 20 साल तक, आपकी शादी होने वाली है या फिर आपके आप बच्चे हो चुके हैं, तो फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन तरफ बढ़ना चाहिए। कैसे कर सकते हो आप? एक पहला सबसे सेफ है आप रियल स्टेट में करो, रियल स्टेट में करने के बाद आप गोल्ड में कर सकते हो है ना। बॉन्ड्स FD को आप अगर कुछ पैसा सेफ रखना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आप FD करा सकते हो। उसके अलावा FD में डाइवर्सिफिकेशन में कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त हैं जो इंट्राडे भी करते हैं, और जैसा आपने भी अभी कहा कि इंट्राडे तो नहीं, आप जब ट्रेडिंग करते थे
तब आपने टाटा के शेयर्स गलत टाइम पे बेच दिए, तो आपको क्या लगता है कि सही टाइम कैसे एनालाइज किया जा सकता है किसी स्टॉक को बेचने का? ठीक है, किसी भी स्टॉक को कब बेचना चाहिए, तो ये एक्चुअली मेरा कोट भी नहीं है, ये राकेश झुंझुनवाला सर का, मैं बहुत फॉलो करता था उन्हें, तो उनका ये था कि जब आपका किसी स्टॉक के अंदर खरीदने का रीज़न ख़त्म हो जाए तब आप स्टॉक को बेच दीजिए। मैं इन्वेस्टिंग की बात करूँ, इंट्राडे की नहीं, जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो आप किसी रीज़न से बाय करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बाय करा है क्योंकि ये कंपनी फॉर एग्जांपल ईवी मैन्युफैक्चर करती है, तो जिस दिन वो कंपनी ईवी मैन्युफैक्चर करना बंद कर देगी मैं स्टॉक को सेल आउट कर सकता हूँ। मैंने किसी स्टॉक के अंदर एंट्री ली है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो मैं उस स्टॉक को तब बेच दूंगा जब मुझे लगेगा कि अभी ओवर वैल्यूड हो चुका है, राइट। अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर इसलिए इन्वेस्ट करा है कि फॉर एग्जांपल शुभम उसके सीईओ हैं या शुभम उसके प्रमोटर हैं या शिवम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, शुभम उसका मैनेजमेंट हैंडल करते हैं, तो मैं उस कंपनी में इसलिए इन्वेस्टमेंट लूँ क्योंकि उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो जिस दिन उसका मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा मैं उस दिन स्टॉक को डेफिनेटली बेच दूंगा। ये राकेश झुंझुनवाला जी का कोट है, आई फील बहुत एग्री करता हूँ, तभी आपको स्टॉक्स के अंदर एग्जिट लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, जिस इंटेंट से आपने खरीदा, जब वो इंटेंट खत्म हो जाए तो आप बेचते हैं। ट्रेडिंग में भी लोग यही करते हैं, लोगों की इंटेंट होती है कि 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये जाना चाहिए, 120 रुपये पाया तो आपका इंटेंट पूरा हो गया, आपने इंटेंट बेच दिया, तो इंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आईपीओस में कब इन्वेस्ट करते हो आप? आईपीओस में मेरे ख्याल से आईपीओस एक बहुत बड़ा स्कैम है, आईपीओस के अंदर इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। पहला जो अच्छा आईपीओ होगा आपको मिलेगा नहीं, 200 टाइम्स तक का सब्सक्रिप्शन होगा, आपको मिलने ही नहीं वाला है, आपका बस समझ लो 10-15 दिन के लिए आपके 14,000 रुपये आपके जाके ब्लॉक हो जाएंगे, है ना। दूसरा रीज़न है कि आईपीओस में आपका पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप समझो जब मार्केट के अंदर स्टॉक ट्रेड होता है तो वहाँ बायर होते हैं सेलर होते हैं, जो प्राइस है स्टॉक का वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है ना, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है, बट जब कोई आईपीओ आता है तो सारा कंट्रोल सेलर के नाम पे होता है, मतलब सेलर ही कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ तो मैं बताऊंगा मेरे स्टॉक के प्राइस क्या होगा, आप कैसे बता सकते हो मैं क्यों खरीदूं, और अगर मेरी कंपनी है तो मैं तो चाहूंगा ही कि वो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन मिले, राइट। तो इसीलिए आईपीओस में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, आप वेट करो, और 14,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप कितना ही प्रॉफिट बना लोगे, है ना, 5-6,000 रुपये एटलीस्ट एक बार उसे लिस्ट होने दो, उसे थोड़ा कंसोलिडेट होने दो, एक दो रिजल्ट आने दो, उसके बाद आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, एक पैटर्न जो मैंने आईपीओस का देखा है कि बाहर के कुछ ऐसे नए स्टार्टअप्स हैं जो कि जब अपना आईपीओ लाते हैं तो पूरी मार्केट हिल जाती है, बट इंडिया के स्टार्टअप्स जब अपने आईपीओस लाते हैं, चाहे पेटीएम हो या फिर मामा अर्थ का एग्जांपल ले ले हम लोग या जोमेटो का भी, तो जब इनके आईपीओस आते हैं तो कंपनीज की इमेज ही धुल जाती है। यार देखो, सिंपल सी बात है, स्टार्टअप जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे, आईपीओ लाएंगे, तो वो पिटना ही पिटना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट और प्राइवेट इक्विटी या फिर स्टार्टअप वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दोनों ही अपने में अलग दुनिया है। स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन अलग तरीके से काम करती है और स्टार्टअप इकोसिस्टम में अलग तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप को वैल्यूएशन इस बेसिस पे मिलती है कि वो रेवेन्यू कितना करते हैं, अगर उनका $1 million का रेवेन्यू है तो उन्हें अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी, अगर उनका डबल हो जाता है रेवेन्यू तो उन्हें वैल्यूएशन भी उनके डबल कर देंगे, मतलब स्टार्टअप्स को क्रेजी फॉर रेवेन्यू, उन्हें प्रॉफिट से मतलब नहीं, उन्हें किसी रेशियो से मतलब नहीं, उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू चाहिए, कैश फ्लो दिखा, हाँ, क्योंकि उनका वैल्यूएशन उस पर बढ़ने वाला है। बट बात ये होती है कि जब आप इसी बिजनेस मॉडल को स्टॉक मार्केट में ले आते हो, स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन चलती है प्रॉफिट पे, स्टॉक मार्केट में लोग देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, स्टॉक मार्केट में लोग देते हैं कि आप कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना लेके आ रहे हो। अब क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे गेम ही डिफरेंट है, अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टार्टअप प्रॉफिट नहीं ला पा रहे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, बट अगर आप प्रॉफिट लेके आ रहे हो आपको रिवॉर्ड भी करा जाएगा। फॉर एग्जांपल जोमेटो आप देखो, जब लिस्ट हुआ था वहां से गिर के 50 रुपये आ गया था क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमाता था, जैसे ही वो प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करे 50 रुपये से 200 रुपये का हो गया आज वो स्टॉक, मतलब जबकि सिर्फ एक क्वार्टर में, तब तक एक क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया, तो आपको स्टॉक मार्केट स्टार्टअप्स को तभी रिवॉर्ड करेगा अगर आप प्रॉफिट लेके आते हो, और जोमेटो उस टाइम पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ ही था, हाँ हुआ ही था, तो और 99% स्टार्टअप्स लॉस के अंदर ही है, इसीलिए स्टॉक मार्केट और ये स्टार्टअप्स की कभी नहीं जमने वाली है। स्टार्ट आप धंधा लेके आओगे तो स्टॉक मार्केट में आपका आईपीओ चलेगा, अगर आप सिर्फ रेवेन्यू लेके आओगे तो डेफिनेटली पिटने वाला है। तो रोचित, बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट आई वांट टू नो कि इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग इसमें साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है? अरे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बात करना चाहता हूँ ट्रेडिंग के ऊपर थोड़ी सी। आई फील इंट्राडे ट्रेडिंग राइट एक बहुत बड़ा स्कैम है जो मार्केट के अंदर चल रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग से किसी को फायदा नहीं होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग से किसको फायदा होता है? जिसका आपने कोर्स खरीदा है
ट्रेडिंग करने के लिए, उसको फायदा होगा, उसको फायदा होगा जिसके आप वीडियोस देख रहे हो क्योंकि उसके एडसेंस इनकम आ रही है, उसके रेफरल इनकम आ रही है। तीसरा, ब्रोकर्स को फायदा होगा, राइट। जितनी भी आप देखो एंजल वन के जो फाउंडर हैं, वो भी एक सुपर कार उन्होंने खरीद लिया। आप मुझे बता दो कोई रिटेल ट्रेडर, पब्लिक में जो ट्रेडर है उसने कोई सुपर कार खरीद ली हो आज तक, आपको नहीं मिलेगा कितने ट्रेडर्स। तो तीनों लोग पैसा कमाते हैं, जो भी आपको ब्रोकर कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं, एंड जिनको भी आप जिनकी सर्विसेज दे रहे हो वो भी कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं। ट्रेडर कभी भी पैसा नहीं कमा रहा है। एंड मैं तो बोल ही नहीं रहा, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो लिख के आता है 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, और जो उसमें से 10% ट्रेडर बना भी रहे हैं वो भी बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं, मतलब उसमें से कुछ लोग उतने ही बना रहे हैं जितना एफडी में रिटर्न आ जाता है एक्चुअली। एंड ये मैटर करता है कि क्या इट इज़ वर्थ योर एफर्ट्स। तो सबसे पहले अगर कोई ट्रेडिंग करने आता है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप क्यों ट्रेडर बनना चाहते हो। बहुत लोग ट्रेडर इसलिए बनना चाहते हैं कि कुछ किसी काम के नहीं है, मैं बताता हूँ वो किसी काम के नहीं है तो वो ट्रेडर बनना चाहते हैं, मतलब उनको पैसे कमाने हैं, स्टूडेंट हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, गलत नहीं है, बट एक माइंडसेट होता है। आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, आपको अपनी जॉब बोरिंग लगती है, आप ट्रेडर बनना चाहते हो, आपको अपना बिजनेस अच्छा नहीं लगता है, आप ट्रेडर बनना चाहते हो, ये कोई रीजन नहीं होता। इस तरीके से आप कभी भी ट्रेडिंग करने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको स्टॉक मार्केट क्या सच में अच्छा लगता है, एक जेन्युइन इंटरेस्ट है, पैसे की वजह से, पैसे के लिए अगर मार्केट में आओगे मार्केट आपको लॉस करा के भेज देगा, अगर सच में इंटरेस्ट है तब आप मार्केट में आओ, इट मेक सेंस। एंड अगर कोई भी बिगिनर आना चाहता है, स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेना चाहता है, ट्रेडिंग इज नॉट द राइट स्टेप, है ना। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो, है ना, कुछ शेयर में आप इन्वेस्ट करो और छोड़ो, तो एटलीस्ट आपका एक इंटरेस्ट बना रहेगा, आपका मार्केट में तो पैसा लगा रहेगा, आप एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा सीख लो। मैं नहीं कहता आप 2 साल सीखो, 3 साल, एटलीस्ट 1-2 महीने तो आप सीख लो। 1-2 महीने सीखने के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे पे नहीं जाना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है। स्विंग ट्रेडिंग इज द ईजिएस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आप शुभम भाई मुझे बताओ कि पूरे साल में सबसे ज्यादा गर्मी किस महीने में होती है? मई जून। कितना आसान था, बहुत आसान था क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है, मई जून। अभी यहाँ से बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि 22 जून को दोपहर 2 बजे कितना टेम्परेचर होगा, नहीं बता सकते, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि टाइम फ्रेम बड़ा होता है, आपको बताना है कि रिलायंस का स्टॉक अगले 1 हफ्ते 1 महीने में क्या करने वाले, आसान है। अब आप मुझे बताओ कि रिलायंस का स्टॉक 1:15 से लेकर 2:30 तक कैसे परफॉर्म करेगा? भाई कितना मुश्किल काम है, आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, क्या करने का आप ट्राई भी कर रहे हो, बहुत टफ काम है। लोगों को आसान इसलिए लगता है क्योंकि लोग आपको करके दिखाते हैं ट्रेडिंग, अपना इंडिकेटर लगा के मार्केट कैंडलस्टिक्स दिखाते जाते हैं। और मुझे लगता है इंट्राडे ट्रेडर से मुश्किल काम और टफ बिजनेस किसी का है ही नहीं, क्योंकि आप समझो ट्रेडिंग जो इंसान कर रहा है ना, वो अपना पूरा दिन लगा रहा है, 1 दिन पहले रिसर्च कर रहा है कौन सा स्टॉक मुझे कल खरीदना है, कल नहीं खरीदना है, उसके बाद वो मार्केट के अंदर आता है और अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करता है, जो वो अपने किसी वीडियो से देखी होगी यूट्यूब पे, स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करता है, 500 रुपये का लॉस करता है, 1000 रुपये का लॉस करता है, अगले दिन फिर आता है सोचता है कि मैं 500 रुपये का लॉस करूंगा, होता क्या है कि एकदम से 700 रुपये का लॉस हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे मेरा भी लॉस होता था, 500 रुपये का मैंने सोच किया, मैं मुझे पता है स्टॉप लॉस लगाना है 500 रुपये का लॉस, 500 रुपये से एकदम से 700 रुपये का लॉस हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा 700 रुपये पे नहीं वापस से 500 रुपये आएगा तो मैं बेच दूंगा, 500 रुपये लॉस से नहीं क्योंकि मैंने सोच किया था, 700 रुपये से 1200 होता है, 1500 होता है, 2000 होता है, हम 2000 रुपये बेच के निकल आते हैं, लगता है कि यार पूरा दिन खराब हो गया। तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत टफ है, मेरे ख्याल से स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब मैं इसलिए भी बोल सकता हूँ क्योंकि मुझसे खुद नहीं हुई इंट्राडे ट्रेडिंग, मैं खुद नहीं कर पाया। एंड ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत टफ है, आप समझो मैं 1 मिलियन फॉलोअर पे हूँ, मुझे इतने सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ, बट फिर भी मुझे 1-2 लोग ही लगते हैं जो ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हैं, बाकी कोई नहीं कमा रहा है, सब कोर्सेज बेच के पैसा कमा रहे हैं, दैट इज द ट्रूथ। लोगों को दिखता नहीं है बट यही सच है, इंट्राडे के अंदर पैसा है नहीं, आप इन्वेस्टिंग करो, आप स्विंग ट्रेडिंग करो। एंड एक बात ये भी, ट्रेडिंग इज नॉट द ओनली करियर, 1000 चीज़ें करी जा सकती है। मैं लोग मुझे पता है बोलते हैं कि रोचित भाई मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ, मुझे दिन के 500 रुपये कमाने मतलब ये क्या बात है यार कि दिन के 500 रुपये कमाने कर लो भाई, दिन के 1000 रुपये कमाने में सिर्फ ट्रेडिंग से ही आ सकते हैं, 1000 चीज़ें जिससे तुम दिन का 500 नहीं कमा सकते हो, आप दिन का 10,000 कमा सकते हो यार। बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे काम है, बहुत सारे बिजनेस हैं, लोग कमा रहे हैं, ऐसे थोड़ी सब कुछ ट्रेडर ही है, बहुत सारे बिजनेस भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लोगों के करोड़ों के पैकेज हैं, लोगों का बिजनेस करते हैं, 1000 करोड़ों का रेवेन्यू होता है। ट्रेडिंग इज नॉट द अल्टीमेट गेम, वही नहीं है जिससे पैसा बन सकता है। ट्रेडर बनना आसान है इसलिए लोग आ जाते हैं कि भाई एक अकाउंट ओपन करा जॉब करते हैं, वो दूर से एक्चुअली लगता है कि आसान है लेकिन व्हेन यू एंटर द मार्केट, हां ट्रेडिंग से टफ काम ही नहीं है यार, ट्रेडिंग सबसे मुश्किल करियर है क्योंकि आपको यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है, मतलब आप समझो कोई भी आपका ऐसा करियर नहीं है, आप जॉब पे जाओगे तो आपको पता है कि 40,000 रुपये महीने के तो आने ही हैं। ये एक ऐसा करियर है जहाँ पे आप 1,00,000 रुपये लेके आओगे, आपका 1,00,000 का 0 भी हो सकता है, तो क्या है कि आपको फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही, इमोशनल लॉस हो जाएगा क्योंकि यार एक मिडिल क्लास इंसान ना लॉस लेना जानता नहीं है,
हमारे लिए 10 रुपये बहुत वैल्यू रखता है, 100 रुपये बहुत वैल्यू रखता है, राइट। अब अगर मिडिल क्लास में किसी का 1,500 रुपये का लॉस हो जाता है, 1,500 रुपये का लॉस हो जाता है, वो अपनी फैमिली से नजरें नहीं मिला सकता। क्यों, आप सोचो, आप क्या बताओगे अपनी फैमिली को कि भाई मैं आज 10,000 रुपये का लॉस करके आया हूँ, राइट, हो ही नहीं सकता। तो पैसे तो उसके गए ही 10,000 रुपये, इमोशनली वो इतना डिप्रेस हो जाता है ना। आई रिमेम्बर अ टाइम जब मेरे लॉसेस होते थे, मुझे लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, मतलब इससे बुरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। दैट्स वाई सेइंग ऐसे कि ट्रेडर से ज़्यादा अकेला इंसान कोई नहीं होता है। मतलब अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपसे अकेला इंसान इसलिए नहीं है क्योंकि आप किसी को बता नहीं सकते कि क्या हुआ। आपने दोस्त को नहीं बता सकते कि भाई मेरा 10,000 रुपये का लॉस हुआ है क्योंकि वो गालियाँ देने वाले। आप घर वालों को तो बता ही नहीं सकते कि भाई मेरा तो मुंह खोलने का ऑप्शन है ना। तो आप कहाँ जाओगे, आप सोशल मीडिया पर जाओगे, आप वीडियोज देखोगे, मोटिवेशन लोगे, बट आप एकदम अकेले होगे। तो जो भी ट्रेडर बनता है एकदम अकेला हो जाता है कि कनेक्ट रहता नहीं है, फ्रेंड्स आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप हमेशा स्टॉक मार्केट की बात करते हो, ट्रेडिंग की बात करते हो। तो बहुत मुश्किल करियर है जितने भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और जो लोग लगे हुए हैं 1-2 साल से लगे हुए हैं, लॉस हो रहा है, भाई सैल्यूट है मेरा उनको, बहुत टफ काम कर रहे हो। एंड आई होप आप सक्सेसफुल हो जाओ क्योंकि मैं तो नहीं हो पाया। वेल रोचित, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट था ये वाला। मेरे लिए तो एक्चुअली पर्सनली बहुत अच्छा था, मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल था, क्योंकि मतलब पहले ट्रेडिंग के पॉडकास्ट हम लोग ने किए बट इतना इन डेप्थ हम लोग भी पहली बार गए। एंड इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू रोचित। थैंक यू सो मच शुभम, एंड थैंक यू सो मच शेखर, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे। अगली बार अब जब होम टाउन आना, मैं आऊंगा बनारस एंड इलाहाबाद, हम आप करते हैं ना, बिल्कुल पार्ट 2 करेंगे रोचित भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस रोचित भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस गाइस। तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत भूलो। You know, I'm like fucking Drake जी, जो मन किया वो करूं अंग्रेज नहीं। ए, अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे, और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।